अगर आपको रेवेंज या फिर रोमांटिक टाइप मूवीज देखना अच्छा लगता है तो मैं आपके लिए कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम दिलवाले है। और वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर मिलेंगी। तो अगर आप लोग भी इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की मूवी दिलवाले को एंजॉय कर सकें। दिलवाले जो कि 2015 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर रोमांस और एक्शन आपको देखने को मिला था और इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे और लगभग 35 मिनट का है। अगर हम रेटिंग की बात करें तो रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.1 की सी रेटिंग मिली है और बाकी जो गूगल यूजर है वहाँ पर जो है वो 3 स्टार मिले हुए हैं, मतलब जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर 3 स्टार मिले हुए हैं और जो गूगल यूजर है वहाँ पर 68% लोगों ने लाइक किया हुआ है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रोहित सेठी ने, तो रोहित सेठी एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दे रखी है। अगर हम इनकी मूवीज़ के बारे में बात करें तो सिंघम और पूरी गोलमाल सीरीज, सिम्बा, सूर्यवंशी, चेन्नई एक्सप्रेस, बोल बच्चन, जमीन और ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले भी दे चुके हैं जो कि ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगी है। लेकिन हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी जो इतना कुछ कमाल नहीं कर पाई, लेकिन हाँ दोस्तों वो एक ज़बरदस्त डायरेक्टर तो है ही, इसमें कोई भी शक नहीं है। और बहुत सारी मूवीज़ वो पहले भी अच्छी अच्छी बना चुके हैं लेकिन जो सर्कस मूवी थी वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है फ्लॉप बनकर रह गए। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर जो होगा डायरेक्टर इसकी हर मूवी हमेशा हिट ही जाए, कहीं बार कोई ना कोई मूवी फ्लॉप भी हो सकती है, ऐसा ही शायद सर्कस के साथ ही हुआ है। तो फिल्म के जो लीड कास्ट इसमें आप सभी को देखने को मिलते हैं, शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन, कीर्ति सेनन, वरुण शर्मा, चेतना पांडे, कबीर बेदी, विनोद खन्ना, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, मुकेश तिवारी, मुरली शर्मा, प्रदीप काबरा, पंकज त्रिपाठी, नवाब शाह, नौशाद अब्बास, कृष्णा कोटियाल, कमल आलिव, जहांगीर खान, चेतन पांडे, सवर अली, सुष्टि चिग्धिस, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। इसे प्रोड्यूस किया था रेड सील्स एंटरटेनमेंट ने और इसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी वही किए थे और इसका जो बजट था वो लगभग 135 करोड़ का था और कलेक्शन लगभग 425 करोड़ का हुआ था। यहाँ पर ये बात तो कन्फर्म होती है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है वो बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही होगी। इस फिल्म का दोस्तों जो कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम तो ज़रूर है वरना शायद इसका इतना कलेक्शन नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो गोवा के अंदर जो इशिता है यानी कि कीर्ति सेनन और अपनी बड़ी बहन माया यानी कि काजल के साथ वो एक रेस्टोरेंट शुरू करती है और यहाँ इसी तरह की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम वीर होता है और जिनका रोल यहाँ पर वरुण धवन का है। वीर का बड़ा भाई यहाँ पर राज होता है यानी कि शाहरुख खान, जो कि कार मैकेनिक कम बल्कि कार डिज़ाइनर ज़्यादा होता है। वीर भी अपने भाई के साथ जो है वो उसी पेशे में है और वह पहले नज़र में ही देखता है इशिता को और देखते ही उससे वो मतलब प्यार हो जाता है, मर मिटता है और कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दूसरे और राज को लड़कियाँ से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं होता है, लेकिन अपने छोटे भाई की जो है वो खुशी के लिए और इसकी दिल की जो गहराइयाँ है वो चाहने वाला राज के भाई की खुशी के खातिर सब कुछ कर सकता है। और एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई का इशिता की शादी के लिए बात करने के लिए उसको घर जाता है और इशिता के घर पहुँच कर राज का सामना अपने एक अतिथि से होता है जिसे वो करीब 15 साल पहले ही बलगरिया गाँव में छोड़ चुका है, मतलब गोवा में छोड़ दिया है और अपने दोस्त शक्ति सिंह यानी कि मुकेश तिवारी और अनुभव यानी कि पंकज त्रिपाठी और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में एक नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया होता है। यहाँ से कहानी के अंदर एक बहुत ही तगड़ा मोड़ आता है और कहानी फ्लैशबैक के अंदर जाती है जहाँ पर बल्गारिया के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो आपको दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डॉन होता है जिसका नाम बक्सी है यानी कि विनोद खन्ना और देव मलिक यानी कि कबीर बेदी, इन दोनों के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से बहुत ही बड़ी खूनी जंग चल रही होती है और इस जंग के अंदर बक्सी का बेटा काली यानी कि शाहरुख खान उसके साथ होता है, तो दूसरी बार मालिक जो मलिक की बेटी मीरा यानी कि उसके जो पिता के साथ वो होती है। तो मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है और एक एक खूनी जो बिड़द है इनके बाद मीरा को लगता है कि काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है और इसी लड़ाई के अंदर काली अपने पिता को भी खो बैठता है और यहीं से जो काली हॉस्पिटल में पड़ रहे अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा जाता है और अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी है इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आती है।
तो क्या यहाँ पर आगे होता है वो तो आपको फिल्म के अंदर ही देखने को मिलेगा। फिल्म के अंदर बहुत सारे प्लस पॉइंट है जो कि आपको फिल्म देखने के लिए बांधे रखते हैं। बतौर डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने बहुत ही तगड़ा काम किया हुआ है। आपको पता ही है कि रोहित शेट्टी हर मूवी के अंदर कुछ नया करते हैं, और इस फिल्म के अंदर भी उनका डायरेक्शन, गाने, सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं। फिल्म के गाने भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। आप यूट्यूब पर आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। और इस फिल्म की जो लव स्टोरी को भी काफ़ी बढ़िया है। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख खान और काजोल की लव स्टोरी को सही से ट्रैक पर नहीं ले पाए, लेकिन हाँ जो एक्शन सीन यहाँ पर चलते हैं वो काफ़ी दमदार है। खासकर वो रेवेंज स्टोरी काफ़ी बढ़िया थी। अगर आप आइसलैंड में शूट गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मन माई इमोशनल यंगस्टर में हिट है, प्रीतम का यहाँ पर म्यूजिक, कहानी और माहौल पर फिट बैठता है। अगर आप शाहरुख खान या फिर काजोल के फैन हो तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करें। वहीं अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक के अंदर देखना चाहते हैं तो फिर आप दिलवाले मूवी को चेकआउट कर सकते हैं, जो आपको निराश नहीं करेंगे। अगर आपको रेवेंज या फिर रोमांटिक टाइप मूवीज देखना अच्छा लगता है तो मैं आपके लिए कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम दिलवाले है। और वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर मिलेंगी। तो अगर आप लोग भी इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की मूवी दिलवाले को एंजॉय कर सकें। दिलवाले जो कि 2015 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर रोमांस और एक्शन आपको देखने को मिला था, और इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे और लगभग 35 मिनट का है। अगर हम रेटिंग की बात करें तो रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.1 की से रेटिंग मिली है, और बाकी जो गूगल यूजर है वहाँ पर जो है वो 3 स्टार मिले हुए हैं, मतलब जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर 3 स्टार मिले हुए हैं, और जो गूगल यूजर है वहाँ पर 68% लोगों ने लाइक किया हुआ है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रोहित शेट्टी ने। तो रोहित शेट्टी एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दे रखी है। अगर हम इनकी मूवीज़ के बारे में बात करें तो सिंघम और पूरी गोलमाल सीरीज, सिम्बा, सूर्यवंशी, चेन्नई एक्सप्रेस, बोल बच्चन, जमीन और ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले भी दे चुके हैं जो कि ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगी है। लेकिन हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी जो इतना कुछ कमाल नहीं कर पाई, लेकिन हाँ दोस्तों वो एक ज़बरदस्त डायरेक्टर तो है ही, इसमें कोई भी शक नहीं है। और बहुत सारी मूवीज़ वो पहले भी अच्छी अच्छी बना चुके हैं, लेकिन जो सर्कस मूवी थी वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और वो बॉक्स ऑफिस के पर दोस्तों जो है फ्लॉप बनकर रह गए। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर जो होगा डायरेक्टर इसकी हर मूवी हमेशा हिट ही जाए, कहीं बार कोई ना कोई मूवी फ्लॉप भी हो सकती है, ऐसा ही शायद सर्कस के साथ ही हुआ है। तो फिल्म के जो लीड कास्ट इसमें आप सभी को देखने को मिलते हैं, शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन, कीर्ति सेनन, वरुण शर्मा, चेतना पांडे, कबीर बेदी, विनोद खन्ना, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, मुकेश तिवारी, मुरली शर्मा, प्रदीप काबरा, पंकज त्रिपाठी, नवाब शाह, नौशाद अब्बास, कृष्णा कोटियाल, कमल आलिव, जहांगीर खान, चेतन पांडे, सवर अली, सुष्टि चिग्धिस, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। इसे प्रोड्यूस किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने और इसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी वही किए थे, और इसका जो बजट था वो लगभग 135 करोड़ का था और कलेक्शन लगभग 425 करोड़ का हुआ था। यहाँ पर ये बात तो कन्फर्म होती है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है वो बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही होगी। इस फिल्म का दोस्तों जो कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम तो ज़रूर है, वरना शायद इसका कितना कलेक्शन नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो गोवा के अंदर जो इशिता है यानी कि कीर्ति सेनन और अपनी बड़ी बहन माया यानी कि काजोल के साथ वो एक रेस्टोरेंट शुरू करती है, और यहाँ इसी तरह की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम वीर होता है और जिनका रोल यहाँ पर वरुण धवन का है। वीर का बड़ा भाई यहाँ पर राज होता है यानी कि शाहरुख खान, जो कि कार मैकेनिक कम बल्कि कार डिज़ाइनर ज़्यादा होता है। वीर भी अपने भाई के साथ जो है वो उसी पेशे में है, और वो पहले नज़र में ही देखता है इशिता को और देखते ही उससे वो मतलब प्यार हो जाता है, मर मिटता है, और कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और दूसरी ओर राज को लड़कियाँ से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं होता है, लेकिन अपने छोटे भाई की जो है वो खुशी के लिए और इसकी दिल की जो गहराइयाँ है वो चाहने वाला राज के भाई की खुशी के खातिर सब कुछ कर सकता है। और एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई का इशिता की शादी के लिए बात करने के लिए उसके घर जाता है, और इशिता के घर पहुँच कर राज का सामना अपने एक आदित्य से होता है जिसे वो करीब 15 साल पहले ही
बलगरिया गांव में छोड़ चुका है, मतलब गोवा में छोड़ दिया है, और अपने दोस्त शक्ति सिंह यानी कि मुकेश तिवारी और अनवर यानी कि पंकज त्रिपाठी और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में एक नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया होता है। यहाँ से कहानी के अंदर एक बहुत ही तगड़ा मोड़ आता है और कहानी फ्लैशबैक के अंदर जाती है, जहाँ पर बल्गारिया के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो आपको दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डॉन होता है जिसका नाम बक्सी है यानी कि विनोद खन्ना, और देव मलिक यानी कि कबीर बेदी। इन दोनों के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से बहुत ही बड़ी खूनी जंग चल रही होती है, और इस जंग के अंदर बक्सी का बेटा काली यानी कि शाहरुख खान उसके साथ होता है, तो दूसरी बार मलिक जो मलिक की बेटी मीरा यानी कि उसके जो पिता के साथ वो होती है। तो मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है, और एक एक खूनी जो बिड़त है इनके बाद मीरा को लगता है कि काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है, और इसी लड़ाई के अंदर काली अपने पिता को भी खो बैठता है, और यहीं से जो काली हॉस्टल में पढ़ रहे हैं अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा जाता है, और अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी है इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आती है। तो क्या यहाँ पर आगे होता है वो तो आपको फिल्म के अंदर ही देखने को मिलेगा। फिल्म के अंदर बहुत सारे प्लस पॉइंट है जो कि आपको फिल्म देखने के लिए बांधे रखते हैं। बतौर डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने बहुत ही तगड़ा काम किया हुआ है, आपको पता ही है कि रोहित शेट्टी हर मूवी के अंदर कुछ नया करते हैं, और इस फिल्म के अंदर भी उनका डायरेक्शन, गाने, सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलता है। फिल्म के गाने भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप यूट्यूब पर आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। और इस फिल्म की जो लव स्टोरी वो भी काफ़ी बढ़िया है। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख खान और काजोल की लव स्टोरी को सही से ट्रैक पर नहीं ले पाए, लेकिन हाँ जो एक्शन सीन यहाँ पर चलते हैं वो काफ़ी दमदार है, खासकर वो रेवेंज स्टोरी काफ़ी बढ़िया थी। अगर आप आइसलैंड में शूट गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मन माय इमोशनल यंगस्टर में हिट है, प्रीतम का यहाँ पर म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट बैठता है। अगर आप शाहरुख खान या फिर काजोल के फैन हो तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करें। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक के अंदर देखना चाहते हैं तो फिर आप दिलवाले मूवी को चेकआउट कर सकते हैं, जो आपको निराश नहीं करेंगे। अगर आपको रेवेंज या फिर रोमांटिक टाइप मूवीज देखना अच्छा लगता है तो मैं आपके लिए कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम दिलवाले है। और वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर मिलेंगी। तो अगर आप लोग भी इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की मूवी दिलवाले को इंजॉय कर सकें। दिलवाले जो कि 2015 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर रोमांस और एक्शन आपको देखने को मिला था, और इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे और लगभग 35 मिनट का है। अगर हम रेटिंग की बात करें तो रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.1 की इसे रेटिंग मिली है, और बाकी जो गूगल यूजर है वहाँ पर जो है वो 3 स्टार मिले हुए हैं, मतलब जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर 3 स्टार मिले हुए हैं, और जो गूगल यूजर है वहाँ पर 68% लोगों ने लाइक किया हुआ है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रोहित शेट्टी ने, तो रोहित शेट्टी एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दे रखी है। अगर हम इनकी मूवीज़ के बारे में बात करें तो सिंघम और पूरी गोलमाल सीरीज, सिम्बा, सूर्यवंशी, चेन्नई एक्सप्रेस, बोल बच्चन, जमीन और ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले भी दे चुके हैं जो कि ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगी है। लेकिन हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी जो इतना कुछ कमाल नहीं कर पाई, लेकिन हाँ दोस्तों वो एक ज़बरदस्त डायरेक्टर तो है, इसमें कोई भी शक नहीं है, और बहुत सारी मूवीज़ वो पहले भी अच्छी अच्छी बना चुके हैं, लेकिन जो सर्कस मूवी थी वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है फ्लॉप बनकर रह गए। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर जो होगा डायरेक्टर इसकी हर मूवी हमेशा हिट ही जाए, कहीं बार कोई ना कोई मूवी फ्लॉप भी हो सकती है, ऐसा ही शायद सर्कस के साथ ही हुआ है। तो फिल्म के जो लीड कास्ट इसमें आप सभी को देखने को मिलते हैं, शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन, कीर्ति सेनन, वरुण शर्मा, चेतना पांडे, कबीर बेदी, विनोद खन्ना, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, मुकेश तिवारी, मुरली शर्मा, प्रदीप काबरा, पंकज त्रिपाठी, नवाब शाह, नौशद अब्बास, कृष्णा कोटियाल, कमल आलिव, जहांगीर खान, चेतन पांडे, सवर अली, सुष्टि चिग्धिस, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। इसे प्रोड्यूस किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने और इसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी वही किए थे, और इसका जो बजट था वो लगभग 135 करोड़ का था और कलेक्शन लगभग 125 करोड़ का हुआ था। यहाँ पर ये बात तो कंफर्म होती है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है वो बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही होगी। इस फिल्म का दोस्तों जो कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि फिल्म के अंदर
दम तो जरूर है, वरना शायद इसका इतना कलेक्शन नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो गोवा के अंदर जोशिता है यानी कि कृति सनन और अपनी बड़ी बहन माया यानी कि काजल के साथ वो एक रेस्टोरेंट शुरू करती है। और यहाँ इसी तरह की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम वीर होता है और जिनका रोल यहाँ पर वरुण धवन का है। वीर का बड़ा भाई यहाँ पे राज होता है यानी कि शाहरुख खान, जो कि कार मैकेनिक कम बल्कि कार डिजाइनर ज्यादा होता है। वीर भी अपने भाई के साथ जो है वो उसी पेशे में है और वो पहले नजर में ही देखता है इशिता को और देखते ही उससे वो मतलब प्यार हो जाता है, मर मिटता है। और कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दूसरे ओर राज को लड़कियां से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं होता है, लेकिन अपने छोटे भाई की जो है वो खुशी के लिए और इसकी दिल की जो गहराइया है वो चाहने वाला राज के भाई की खुशी के खातिर सब कुछ कर सकता है। और एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई का इशिता की शादी के लिए बात करने के लिए उसके घर जाता है। और इशिता के घर पहुँच कर राज का सामना अपने एक अतिथि से होता है जिसे वो करीब 15 साल पहले ही बलगरिया गांव में छोड़ चुका है, मतलब गोवा में छोड़ दिया है। और अपने दोस्त शक्ति सिंह यानी कि मुकेश तिवारी और अनवर यानी कि पंकज त्रिपाठी और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में एक नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया होता है। यहाँ से कहानी के अंदर एक बहुत ही तगड़ा मोड़ आता है और कहानी फ्लैशबैक के अंदर जाती है जहाँ पर बलगरिया के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो आपको दिखाया जाता है। जहाँ पर एक डॉन होता है जिसका नाम बख्शी है यानी कि विनोद खन्ना और देव मलिक यानी कि कबीर बेदी, इन दोनों के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से बहुत ही बड़ी खूनी जंग चल रही होती है। और इस जंग के अंदर बख्शी का बेटा काली यानी कि शाहरुख खान उसके साथ होता है, तो दूसरी बार मालिक जो मलिक की बेटी मीरा यानी कि उसके जो पिता के साथ वो होती है। तो मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है। और एक एक खूनी जो बिड़द है इनके बाद मीरा को लगता है कि काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। और इसी लड़ाई के अंदर काली अपने पिता को भी खो बैठता है और यहीं से जो काली हॉस्टल में पढ़ रहे हैं अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा जाता है। और अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी है इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आती है। तो क्या यहाँ पर आगे होता है वो तो आपको फिल्म के अंदर ही देखने को मिलेगा। फिल्म के अंदर बहुत सारे प्लस पॉइंट है जो कि आपको फिल्म देखने के लिए बांधे रखते हैं। बतौर डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने बहुत ही तगड़ा काम किया हुआ है, आपको पता ही है कि रोहित शेट्टी हर मूवी के अंदर कुछ नया करते हैं और इस फिल्म के अंदर भी उनका डायरेक्शन, गाने सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं। फिल्म के गाने भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप यूट्यूब पर आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। और इस फिल्म की जो लव स्टोरी वो भी काफ़ी बढ़िया है। दूसरी बार रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख खान और काजोल की लव स्टोरी को सही से ट्रैक पर नहीं ले पाए, लेकिन हाँ जो एक्शन सीन यहाँ पर चलते हैं वो काफ़ी दमदार है, खासकर वो रेवेंज स्टोरी काफ़ी बढ़िया थी। अगर आप आइसलैंड में शूट गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मन माई इमोशनल यंगस्टर में हिट है, प्रीतम का यहाँ पर म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट बैठता है। अगर आप शाहरुख खान या फिर काजोल के फैन हो तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करें। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक के अंदर देखना चाहते हैं तो फिर आप दिलवाले मूवी को चेकआउट कर सकते हैं जो आपको निराश नहीं करेंगे। अगर आपको रेवेंज या फिर रोमांटिक टाइप मूवीज देखना अच्छा लगता है तो मैं आपके लिए कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम दिलवाले है। और वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर मिलेंगी। तो अगर आप लोग भी इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की मूवी दिलवाले को इंजॉय कर सकें। दिलवाले जो कि 2015 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर रोमांस और एक्शन आपको देखने को मिला था और इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे और लगभग 35 मिनट का है। अगर हम रेटिंग की बात करें तो रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.1 की सी रेटिंग मिली है और बाकी जो गूगल यूजर है वहाँ पर जो है वो 3 स्टार मिले हुए हैं, मतलब जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर 3 स्टार मिले हुए हैं और जो गूगल यूजर है वहाँ पर 68% लोगों ने लाइक किया हुआ है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रोहित शेट्टी ने, तो रोहित शेट्टी एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दे रखी है। अगर हम इनकी मूवीज़ के बारे में बात करें तो सिंघम और पूरी गोलमाल सीरीज, सिम्बा, सूर्यवंशी, चेन्नई एक्सप्रेस, बोल बच्चन, जमीन और ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले भी दे चुके हैं जो कि ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगी है, लेकिन हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी जो इतना कुछ कमाल नहीं कर पाई। लेकिन हाँ दोस्तों वो एक ज़बरदस्त डायरेक्टर तो है, इसमें कोई भी शक नहीं है और बहुत सारी मूवीज़ वो पहले भी अच्छी अच्छी बना चुके हैं, लेकिन जो सर्कस मूवी थी वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई।
और वो बॉक्स ऑफिस के पर दोस्तों जो है फ्लॉप बनकर रह गए। हालांकि जरूरी नहीं है कि हर जो होगा डायरेक्टर इसकी हर मूवी हमेशा हिट ही जाए, कई बार कोई ना कोई मूवी फ्लॉप भी हो सकती है। ऐसा ही शायद सर्कस के साथ ही हुआ है। तो फिल्म के जो लीड कास्ट इसमें आप सभी को देखने को मिलते हैं, शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन, कीर्ति सेनन, वरुण शर्मा, चेतना पांडे, कबीर बेदी, विनोद खन्ना, बोमन ईरानी, जॉनी लेवर, मुकेश तिवारी, मुरली शर्मा, प्रदीप काबरा, पंकज त्रिपाठी, नवाब शाह, नौशाद अब्बास, कृष्णा कोटियाल, कमल आलिव, जहांगीर खान, चेतन पांडे, सवर अली, सुष्टि चिग्धिस, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। इसे प्रोड्यूस किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने और इसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी वही किए थे। और इसका जो बजट था वो लगभग 135 करोड़ का था और कलेक्शन लगभग 125 करोड़ का हुआ था। यहाँ पर ये बात तो कंफर्म होती है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है वो बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्टर रही होगी। इस फिल्म का दोस्तों जो कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम तो ज़रूर है, वरना शायद इसका इतना कलेक्शन नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो गोवा के अंदर जो इशिता है यानी कि कीर्ति सनन और अपनी बड़ी बहन माया यानी कि काजल के साथ वो एक रेस्टोरेंट शुरू करती है। और यहाँ इशिता की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम वीर होता है और जिनका रोल यहाँ पर वरुण धवन का है। वीर का बड़ा भाई यहाँ पर राज होता है यानी कि शाहरुख खान, जो कि कार मैकेनिक कम बल्कि कार डिजाइनर ज़्यादा होता है। वीर भी अपने भाई के साथ जो है वो उसी पेशे में है और वो पहले नज़र में ही देखता है इशिता को और देखते ही उससे वो मतलब प्यार हो जाता है, मर मिटता है। और कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दूसरे और राज को लड़कियां से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं होता है, लेकिन अपने छोटे भाई की जो है वो खुशी के लिए और इसकी दिल की जो गहराइया है वो चाहने वाला राज के भाई की खुशी के खातिर सब कुछ कर सकता है। और एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई का इशिता की शादी के लिए बात करने के लिए उसको घर जाता है। और इस तरह के घर पहुँच कर राज का सामना अपने एक अतीत से होता है जिसे वो करीब 15 साल पहले ही बलगरिया गांव में छोड़ चुका है, मतलब गोवा में छोड़ दिया है। और अपने दोस्त शक्ति सिंह यानी कि मुकेश तिवारी और अनवर यानी कि पंकज त्रिपाठी और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में एक नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया होता है। यहाँ से कहानी के अंदर एक बहुत ही तगड़ा मोड़ आता है और कहानी फ्लैशबैक के अंदर जाती है जहाँ पर बलगरिया के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो आपको दिखाया जाता है। जहाँ पर एक डॉन होता है जिसका नाम बख्शी है यानी कि विनोद खन्ना और देव मलिक यानी कि कबीर बेदी, इन दोनों के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से बहुत ही बड़ी खूनी जंग चल रही होती है। और इस जंग के अंदर बख्शी का बेटा काली यानी कि शाहरुख खान उसके साथ होता है, तो दूसरी बार मालिक जो मलिक की बेटी मीरा यानी कि उसके जो पिता के साथ वो होती है। तो मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है। और एक एक खूनी जो बिड़द है इनके बाद मीरा को लगता है कि काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। और इसी लड़ाई के अंदर काली अपने पिता को भी खो बैठता है और यहीं से जो काली हॉस्पिटल में पड़ रहे अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा जाता है। और अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी है इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आती है। तो क्या यहाँ पर आगे होता है वो तो आपको फिल्म के अंदर ही देखने को मिलेगा। फिल्म के अंदर बहुत सारे प्लस पॉइंट है जो कि आपको फिल्म देखने के लिए बांधे रखते हैं। बतौर डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने बहुत ही तगड़ा काम किया हुआ है। आपको पता ही है कि रोहित शेट्टी हर मूवी के अंदर कुछ नया करते हैं और इस फिल्म के अंदर भी उनका डायरेक्शन, गाने, सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं। फिल्म के गाने भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप यूट्यूब पर आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। और इस फिल्म की जो लव स्टोरी वो भी काफ़ी बढ़िया है। दूसरी बार रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख खान और काजोल की लव स्टोरी को सही से ट्रैक पर नहीं ले पाए, लेकिन हाँ जो एक्शन सीन यहाँ पर चलते हैं वो काफ़ी दमदार है। खासकर वो रेवेंज स्टोरी काफ़ी बढ़िया थी। अगर आप आइसलैंड में शूट गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मन माई इमोशनल यंगस्टर में हिट है, प्रीतम का यहाँ पर म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट बैठता है। अगर आप शाहरुख खान या फिर काजोल के फैन हो तो दिल वाले आपको शायद अपसेट ना करें। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक के अंदर देखना चाहते हैं तो फिर आप दिल वाले मूवी को चेकआउट कर सकते हैं जो आपको निराश नहीं करेंगे। अगर आपको रेवेंज या फिर रोमांटिक टाइप मूवीज देखना अच्छा लगता है तो मैं आपके लिए कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम दिलवाले है। और वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर मिलेंगी। तो अगर आप लोग भी इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की मूवी दिलवाले को इंजॉय कर सकें।
दिलवाले जो कि 2015 की बॉलीवुड की फिल्म है, जिसके अंदर रोमांस और एक्शन आपको देखने को मिला था। और इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे और लगभग 35 मिनट का है। अगर हम रेटिंग की बात करें तो रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.1 की से रेटिंग मिली है, और बाकी जो गूगल यूजर है वहाँ पर जो है वो 3 स्टार मिले हुए हैं, मतलब जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर 3 स्टार मिले हुए हैं, और जो गूगल यूजर है वहाँ पर 68% लोगों ने लाइक किया हुआ है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रोहित सेठी ने। तो रोहित सेठी एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है, और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी ब्लॉकबास्टर मूवीज दे रखी है। अगर हम इनकी मूवीज़ के बारे में बात करें तो सिंघम और पूरी गोलमाल सीरीज, सिम्बा, सूर्यवंशी, चेन्नई एक्सप्रेस, बोल बच्चन, जमीन और ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले भी दे चुके हैं, जो कि ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगी है। लेकिन हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी जो इतना कुछ कमाल नहीं कर पाई। लेकिन हाँ दोस्तों, वो एक ज़बरदस्त डायरेक्टर तो है ही, इसमें कोई भी शक नहीं है। और बहुत सारी मूवीज़ वो पहले भी अच्छी अच्छी बना चुके हैं, लेकिन जो सर्कस मूवी थी वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, और वो बॉक्स ऑफिस के पर दोस्तों जो है फ्लॉप बनकर रह गए। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर जो होगा डायरेक्टर इसकी हर मूवी हमेशा हिट ही जाए, कहीं बार कोई ना कोई मूवी फ्लॉप भी हो सकती है। ऐसा ही शायद सर्कस के साथ ही हुआ है। तो फिल्म के जो लीड कास्ट, इसमें आप सभी को देखने को मिलते हैं शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन, कीर्ति सेनन, वरुण शर्मा, चेतना पांडे, कबीर बेदी, विनोद खन्ना, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, मुकेश तिवारी, मुरली शर्मा, प्रदीप काबरा, पंकज त्रिपाठी, नवाब शाह, नौशाद अब्बास, कृष्णा कोटियाल, कमल आलिव, जहांगीर खान, चेतन पांडे, सवर अली, सृष्टि चिग्धिस, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। इसे प्रोड्यूस किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने, और इसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी वही किए थे। और इसका जो बजट था वो लगभग 135 करोड़ का था, और कलेक्शन लगभग 125 करोड़ का हुआ था। यहाँ पर ये बात तो कंफर्म होती है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है वो बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्टर रही होगी। इस फिल्म का दोस्तों जो कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम तो ज़रूर है, वरना शायद इसका कितना कलेक्शन नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो गोवा के अंदर जो सीता है यानी कि कीर्ति सेनन और अपनी बड़ी बहन माया यानी कि काजल के साथ वो एक रेस्टोरेंट शुरू करती है, और यहाँ इसी तरह की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम वीर होता है, और जिनका रोल यहाँ पर वरुण धवन का है। वीर का बड़ा भाई यहाँ पर राज होता है यानी कि शाहरुख खान, जो कि कार मैकेनिक कम बल्कि कार डिज़ाइनर ज़्यादा होता है। वीर भी अपने भाई के साथ जो है वो उसी पेशे में है, और वो पहले नज़र में ही देखता है इशिता को, और देखते ही उससे वो मतलब प्यार हो जाता है, मर मिटता है। और कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, और दूसरे ओर राज को लड़कियाँ से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं होता है, लेकिन अपने छोटे भाई की जो है वो खुशी के लिए और इसकी दिल की जो गहराइया है वो चाहने वाला राज के भाई की खुशी के खातिर सब कुछ कर सकता है। और एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई का इशिता की शादी के लिए बात करने के लिए उसके घर जाता है, और इशिता के घर पहुंचकर राज का सामना अपने एक अतिथि से होता है जिसे वो करीब 15 साल पहले ही बलगरिया गाँव में छोड़ चुका है, मतलब गोवा में छोड़ दिया है। और अपने दोस्त शक्ति सिंह यानी कि मुकेश तिवारी और अनवर यानी कि पंकज त्रिपाठी और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में एक नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया होता है। यहाँ से कहानी के अंदर एक बहुत ही तगड़ा मोड़ आता है, और कहानी फ्लैशबैक के अंदर जाती है जहाँ पर बल्गारिया के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो आपको दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डॉन होता है जिसका नाम बक्सी है यानी कि विनोद खन्ना, और देव मलिक यानी कि कबीर बेदी। इन दोनों के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से बहुत ही बड़ी खूनी जंग चल रही होती है, और इस जंग के अंदर बक्सी का बेटा काली यानी कि शाहरुख खान उसके साथ होता है, तो दूसरी बार मालिक जो मलिक की बेटी मीरा यानी कि उसके जो पिता के साथ वो होती है। तो मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है, और एक एक खूनी जो बिड़त है इनके बाद मीरा को लगता है कि काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है, और इसी लड़ाई के अंदर काली अपने पिता को भी खो बैठता है। और यहीं से जो काली हॉस्टल में पढ़ रहे हैं अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा जाता है, और अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी है इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आती है। तो क्या यहाँ पर आगे होता है वो तो आपको फिल्म के अंदर ही देखने को मिलेगा। फिल्म के अंदर बहुत सारे प्लस पॉइंट है जो कि आपको फिल्म देखने के लिए बांधे रखते हैं। बतौर डायरेक्टर रोहित सेठी ने बहुत ही तगड़ा काम किया हुआ है, आपको पता ही है कि रोहित सेठी हर मूवी के अंदर कुछ नया करते हैं, और इस फिल्म के अंदर भी उनका डायरेक्शन, गाने, सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलता है। फिल्म के गाने भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप यूट्यूब पर आसानी से चेकआउट कर सकते हैं।
और इस फिल्म की जो लव स्टोरी वो भी काफ़ी बढ़िया है। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख खान और काजोल के लव स्टोरी को सही से ट्रैक पर नहीं ले पाए, लेकिन हाँ जो एक्शन सीन यहाँ पर चलते हैं वो काफ़ी दमदार है। खासकर वो रेवेंज स्टोरी काफ़ी बढ़िया थी। अगर आप आइसलैंड में शूट गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मन मा इमोशनल यंगस्टर में हिट है, प्रीतम का यहाँ पर म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट बैठता है। अगर आप शाहरुख खान या फिर काजोल के फैन हो तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करें। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक के अंदर देखना चाहते हैं तो फिर आप दिलवाले मूवी को चेकआउट कर सकते हैं, जो आपको निराश नहीं करेंगे। अगर आपको रेवेंज या फिर रोमांटिक टाइप मूवीज देखना अच्छा लगता है तो मैं आपके लिए कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम दिलवाले है। और वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर मिलेंगी। तो अगर आप लोग भी इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की मूवी दिलवाले को एंजॉय कर सकें। दिलवाले जो कि 2015 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर रोमांस और एक्शन आपको देखने को मिला था और इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे और लगभग 35 मिनट का है। अगर हम रेटिंग की बात करें तो रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.1 की से रेटिंग मिली है और बाकी जो गूगल यूजर है वहाँ पर जो है वो 3 स्टार मिले हुए हैं, मतलब जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर 3 स्टार मिले हुए हैं और जो गूगल यूजर है वहाँ पर 68% लोगों ने लाइक किया हुआ है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रोहित सेठी ने। तो रोहित सेठी एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दे रखी है। अगर हम इनकी मूवीज़ के बारे में बात करें तो सिंघम और पूरी गोलमाल सीरीज, सिम्बा, सूर्यवंशी, चेन्नई एक्सप्रेस, बोल बच्चन, जमीन और ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले भी दे चुके हैं जो कि ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगी है। लेकिन हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी जो इतना कुछ कमाल नहीं कर पाई, लेकिन हाँ दोस्तों वो एक ज़बरदस्त डायरेक्टर तो है ही, इसमें कोई भी शक नहीं है। और बहुत सारी मूवीज़ वो पहले भी अच्छी अच्छी बना चुके हैं लेकिन जो सर्कस मूवी थी वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है फ्लॉप बनकर रह गए। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर जो होगा डायरेक्टर इसकी हर मूवी हमेशा हिट ही जाए, कहीं बार कोई ना कोई मूवी फ्लॉप भी हो सकती है, ऐसा ही शायद सर्कस के साथ ही हुआ है। तो फिल्म के जो लीड कास्ट इसमें आप सभी को देखने को मिलते हैं, शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन, कीर्ति सेनन, वरुण शर्मा, चेतना पांडे, कबीर बेदी, विनोद खन्ना, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, मुकेश तिवारी, मुरली शर्मा, प्रदीप काबरा, पंकज त्रिपाठी, नवाब शाह, नौशद अब्बास, कृष्णा कोटियाल, कमल आलिव, जहांगीर खान, चेतन पांडे, सवर अली, सुष्टि चिग्धिस, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। इसे प्रोड्यूस किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने और इसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी वही किए थे और इसका जो बजट था वो लगभग 135 करोड़ का था और कलेक्शन लगभग 425 करोड़ का हुआ था। यहाँ पर ये बात तो कन्फर्म होती है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है वो बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही होगी। इस फिल्म का दोस्तों जो कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम तो ज़रूर है वरना शायद इसका इतना कलेक्शन नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो गोवा के अंदर जो इशिता है यानी कि कीर्ति सेनन और अपनी बड़ी बहन माया यानी कि काजल के साथ वो एक रेस्टोरेंट शुरू करती है और यहाँ इसी तरह की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम वीर होता है और जिनका रोल यहाँ पर वरुण धवन का है। वीर का बड़ा भाई यहाँ पर राज होता है यानी कि शाहरुख खान, जो कि कार मैकेनिक कम बल्कि कार डिज़ाइनर ज़्यादा होता है। वीर भी अपने भाई के साथ जो है वो उसी पेशे में है और वो पहले नज़र में ही देखता है इशिता को और देखते ही उससे वो मतलब प्यार हो जाता है, मर मिटता है और कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दूसरे ओर राज को लड़कियाँ से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं होता है, लेकिन अपने छोटे भाई की जो है वो खुशी के लिए और इसकी दिल की जो गहराइयाँ है वो चाहने वाला राज के भाई की खुशी के खातिर सब कुछ कर सकता है। और एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई का इशिता की शादी के लिए बात करने के लिए उसके घर जाता है और इशिता के घर पहुंचकर राज का सामना अपने एक आदित्य से होता है जिसे वो करीब 15 साल पहले ही बलगरिया गाँव में छोड़ चुका है, मतलब गोवा में छोड़ दिया है और अपने दोस्त शक्ति सिंह यानी कि मुकेश तिवारी और अनवर यानी कि पंकज त्रिपाठी और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में एक नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया होता है। यहाँ से कहानी के अंदर एक बहुत ही तगड़ा मोड़ आता है और कहानी फ्लैशबैक के अंदर जाती है जहाँ पर बल्गारिया के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो आपको दिखाया जाता है। जहाँ पर एक डॉन होता है जिसका नाम बक्सी है यानी कि विनोद खन्ना और देव मलिक यानी कि कबीर बेदी,
इन दोनों के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से बहुत ही बड़ी खूनी जंग चल रही होती है। और इस जंग के अंदर बख्शी का बेटा काल यानी कि शाहरुख खान उसके साथ होता है, तो दूसरी बार मालिक जो मलिक की बेटी मीरा यानी कि उसके जो पिता के साथ वो होती है। तो मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है। और एक एक खूनी जो बिड़त है इनके बाद मीरा को लगता है कि काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। और इसी लड़ाई के अंदर काली अपने पिता को भी खो बैठता है। और यहीं से जो काली हॉस्टल में पढ़ रहे हैं अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा जाता है। और अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी है इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आती है। तो क्या यहाँ पर आगे होता है वो तो आपको फिल्म के अंदर ही देखने को मिलेगा। फिल्म के अंदर बहुत सारे प्लस पॉइंट है जो कि आपको फिल्म देखने के लिए बांधे रखते हैं। बतौर डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने बहुत ही तगड़ा काम किया हुआ है। आपको पता ही है कि रोहित शेट्टी हर मूवी के अंदर कुछ नया करते हैं और इस फिल्म के अंदर भी उनका डायरेक्शन, गाने, सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं। फिल्म के गाने भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। आप यूट्यूब पर आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। और इस फिल्म की जो लव स्टोरी वो भी काफ़ी बढ़िया है। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख खान और काजोल की लव स्टोरी को सही से ट्रैक पर नहीं ले पाए, लेकिन हाँ जो एक्शन सीन यहाँ पर चलते हैं वो काफ़ी दमदार है। खासकर वो रेवेंज स्टोरी काफ़ी बढ़िया थी। अगर आप आइसलैंड में शूट गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मन माई इमोशनल यंगस्टर में हिट है, प्रीतम का यहाँ पर म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट बैठता है। अगर आप शाहरुख खान या फिर काजोल के फैन हो तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करें। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक के अंदर देखना चाहते हैं तो फिर आप दिलवाले मूवी को चेकआउट कर सकते हैं जो आपको निराश नहीं करेंगे। अगर आपको रेवेंज या फिर रोमांटिक टाइप मूवीज देखना अच्छा लगता है तो मैं आपके लिए कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम दिलवाले है। और वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर मिलेंगी। तो अगर आप लोग भी इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की मूवी दिलवाले को एंजॉय कर सकें। दिलवाले जो कि 2015 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर रोमांस और एक्शन आपको देखने को मिला था। और इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे और लगभग 35 मिनट का है। अगर हम रेटिंग की बात करें तो रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.1 की से रेटिंग मिली है और बाकी जो गूगल यूजर है वहाँ पर जो है वो 3 स्टार मिले हुए हैं, मतलब जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर 3 स्टार मिले हुए हैं और जो गूगल यूजर है वहाँ पर 68% लोगों ने लाइक किया हुआ है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रोहित शेट्टी ने। तो रोहित शेट्टी एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दे रखी है। अगर हम इनकी मूवीज़ के बारे में बात करें तो सिंघम और पूरी गोलमाल सीरीज, सिम्बा, सूर्यवंशी, चेन्नई एक्सप्रेस, बोल बच्चन, जमीन और ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले भी दे चुके हैं जो कि ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगी है। लेकिन हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी जो इतना कुछ कमाल नहीं कर पाई, लेकिन हाँ दोस्तों वो एक ज़बरदस्त डायरेक्टर तो है ही, इसमें कोई भी शक नहीं है। और बहुत सारी मूवीज़ वो पहले भी अच्छी अच्छी बना चुके हैं लेकिन जो सर्कस मूवी थी वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और वो बॉक्स ऑफिस के पर दोस्तों जो है फ्लॉप बनकर रह गए। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर जो होगा डायरेक्टर इसकी हर मूवी हमेशा हिट ही जाए, कहीं बार कोई ना कोई मूवी फ्लॉप भी हो सकती है। ऐसा ही शायद सर्कस के साथ ही हुआ है। तो फिल्म के जो लीड कास्ट इसमें आप सभी को देखने को मिलते हैं, शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन, कीर्ति सेनन, वरुण शर्मा, चेतना पांडे, कबीर बेदी, विनोद खन्ना, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, मुकेश तिवारी, मुरली शर्मा, प्रदीप काबरा, पंकज त्रिपाठी, नवाब शाह, नौशद अब्बास, कृष्णा कोटियाल, कमल आलिव, जहांगीर खान, चेतन पांडे, सवर अली, सुष्टि चिग्धिस, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। इसे प्रोड्यूस किया था रेड सील्स एंटरटेनमेंट ने और इसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी वही किए थे। और इसका जो बजट था वो लगभग 135 करोड़ का था और कलेक्शन लगभग 125 करोड़ का हुआ था। यहाँ पर ये बात तो कन्फर्म होती है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है वो बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही होगी। इस फिल्म का दोस्तों जो कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम तो ज़रूर है वरना शायद इसका इतना कलेक्शन नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो गोवा के अंदर जो इशिता है यानी कि कीर्ति सेनन और अपनी बड़ी बहन माया यानी कि काजोल के साथ वो एक रेस्टोरेंट शुरू करती है। और यहाँ इसी तरह की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम वीर होता है और जिनका रोल यहाँ पर वरुण धवन का है। वीर का बड़ा भाई यहाँ पे राज होता है यानी कि शाहरुख खान, जो कि कार मैकेनिक कम बल्कि कार डिजाइनर ज़्यादा होता है।
फिर भी अपने भाई के साथ जो है वो उसी पेशे में है और वो पहले नज़र में ही देखता है इशिता को और देखते ही उससे वो मतलब प्यार हो जाता है, मर मिटता है। और कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दूसरे ओर राज को लड़कियाँ से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं होता है, लेकिन अपने छोटे भाई की जो है वो खुशी के लिए और इसकी दिल की जो गहराइयाँ है वो चाहने वाला राज के भाई की खुशी के खातिर सब कुछ कर सकता है। और एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई का इशिता की शादी के लिए बात करने के लिए उसके घर जाता है और इशिता के घर पहुंचकर राज का सामना अपने एक अतिथि से होता है जिसे वो करीब 15 साल पहले ही बलगरिया गांव में छोड़ चुका है, मतलब गोवा में छोड़ दिया है। और अपने दोस्त शक्ति सिंह यानी कि मुकेश तिवारी और अनवर यानी कि पंकज त्रिपाठी और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में एक नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया होता है। यहाँ से कहानी के अंदर एक बहुत ही तगड़ा मोड़ आता है और कहानी फ्लैशबैक के अंदर जाती है जहाँ पर बल्गारिया के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो आपको दिखाया जाता है। जहाँ पर एक डॉन होता है जिसका नाम बक्सी है यानी कि विनोद खन्ना और देव मलिक यानी कि कबीर बेदी, इन दोनों के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से बहुत ही बड़ी खूनी जंग चल रही होती है। और इस जंग के अंदर बक्सी का बेटा काली यानी कि शाहरुख खान उसके साथ होता है, तो दूसरी बार मलिक जो मलिक की बेटी मीरा यानी कि उसके जो पिता के साथ वो होती है। तो मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है और एक एक खूनी जो बिड़द है इनके बाद मीरा को लगता है कि काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। और इसी लड़ाई के अंदर काली अपने पिता को भी खो बैठता है और यहीं से जो काली हॉस्टल में पढ़ रहे हैं अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा जाता है। और अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी है इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आती है। तो क्या यहाँ पर आगे होता है वो तो आपको फिल्म के अंदर ही देखने को मिलेगा। फिल्म के अंदर बहुत सारे प्लस पॉइंट है जो कि आपको फिल्म देखने के लिए बांधे रखते हैं। बतौर डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने बहुत ही तगड़ा काम किया हुआ है, आपको पता ही है कि रोहित शेट्टी हर मूवी के अंदर कुछ नया करते हैं और इस फिल्म के अंदर भी उनका डायरेक्शन, गाने, सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलता है। फिल्म के गाने भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप यूट्यूब पर आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। और इस फिल्म की जो लव स्टोरी भी काफ़ी बढ़िया है। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख खान और काजोल की लव स्टोरी को सही से ट्रैक पर नहीं ले पाए, लेकिन हाँ जो एक्शन सीन यहाँ पर चलते हैं वो काफ़ी दमदार है, खासकर वो रेवेंज स्टोरी काफ़ी बढ़िया थी। अगर आप आइसलैंड में शूट गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मन माई इमोशनल यंगस्टर में हिट है, प्रीतम का यहाँ पर म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट बैठता है। अगर आप शाहरुख खान या फिर काजोल के फैन हो तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करें। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक के अंदर देखना चाहते हैं तो फिर आप दिलवाले मूवी को चेकआउट कर सकते हैं जो आपको निराश नहीं करेंगे। अगर आपको रेवेंज या फिर रोमांटिक टाइप मूवीज देखना अच्छा लगता है तो मैं आपके लिए कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम दिलवाले है। और वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर मिलेंगी। तो अगर आप लोग भी इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की मूवी दिलवाले को एंजॉय कर सकें। दिलवाले जो कि 2015 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर रोमांस और एक्शन आपको देखने को मिला था और इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे और लगभग 35 मिनट का है। अगर हम रेटिंग की बात करें तो रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.1 की इसे रेटिंग मिली है और बाकी जो गूगल यूजर है वहाँ पर जो है वो 3 स्टार मिले हुए हैं, मतलब जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर 3 स्टार मिले हुए हैं और जो गूगल यूजर है वहाँ पर 68% लोगों ने लाइक किया हुआ है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रोहित शेट्टी ने, तो रोहित शेट्टी एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दे रखी है। अगर हम इनकी मूवीज़ के बारे में बात करें तो सिंघम और पूरी गोलमाल सीरीज, सिम्बा, सूर्यवंशी, चेन्नई एक्सप्रेस, बोल बच्चन, जमीन और ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले भी दे चुके हैं जो कि ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगी है, लेकिन हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी जो इतना कुछ कमाल नहीं कर पाई। लेकिन हाँ दोस्तों वो एक ज़बरदस्त डायरेक्टर तो है ही, इसमें कोई भी शक नहीं है और बहुत सारी मूवीज़ वो पहले भी अच्छी अच्छी बना चुके हैं, लेकिन जो सर्कस मूवी थी वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है फ्लॉप बनकर रह गए। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर जो होगा डायरेक्टर इसकी हर मूवी हमेशा हिट ही जाए, कहीं बार कोई ना कोई मूवी फ्लॉप भी हो सकती है, ऐसा ही शायद सर्कस के साथ ही हुआ है। तो फिल्म के जो लीड कास्ट इसमें आप सभी को देखने को मिलते हैं, शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन, कीर्ति सेनन, वरुण शर्मा, चेतना पांडे, कबीर बेदी, विनोद खन्ना, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, मुकेश तिवारी, मुरली शर्मा, प्रदीप काबरा,
पंकज त्रिपाठी, नवाब शाह, नौशद अब्बास, कृष्णा कोटियाल, कमल आलिब, जहांगीर खान, चेतन पांडे, सवर अली, सुष्टि चिग्धिस, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। इसे प्रोड्यूस किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने और इसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी वही किए थे। और इसका जो बजट था वो लगभग 135 करोड़ का था और कलेक्शन लगभग 450 करोड़ का हुआ था। यहाँ पर ये बात तो कंफर्म होती है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है वो बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही होगी। इस फिल्म का दोस्तों जो कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम तो ज़रूर है, वरना शायद इसका इतना कलेक्शन नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो गोवा के अंदर जोशिता है यानी कि कीर्ति सनन और अपनी बड़ी बहन माया यानी कि काजल के साथ वो एक रेस्टोरेंट शुरू करती है। और यहाँ इसी तरह की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम वीर होता है और जिनका रोल यहाँ पर वरुण धवन का है। वीर का बड़ा भाई यहाँ पर राज होता है यानी कि शाहरुख खान, जो कि कार मैकेनिक कम बल्कि कार डिज़ाइनर ज़्यादा होता है। वीर भी अपने भाई के साथ जो है वो उसी पेशे में है और वो पहले नज़र में ही देखता है इशिता को और देखते ही उससे वो मतलब प्यार हो जाता है, मर मिटता है। और कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दूसरे और राज को लड़कियां से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं होता है, लेकिन अपने छोटे भाई की जो है वो खुशी के लिए और इसकी दिल की जो गहराइयाँ है वो चाहने वाला राज के भाई की खुशी के खातिर सब कुछ कर सकता है। और एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई का इशिता की शादी के लिए बात करने के लिए उसके घर जाता है और इस तरह के घर पहुंचकर राज का सामना अपने एक अतिथि से होता है जिसे वह करीब 15 साल पहले ही बलगरिया गांव में छोड़ चुका है, मतलब गोवा में छोड़ दिया है। और अपने दोस्त शक्ति सिंह यानी कि मुकेश तिवारी और अनवर यानी कि पंकज त्रिपाठी और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में एक नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया होता है। यहाँ से कहानी के अंदर एक बहुत ही तगड़ा मोड़ आता है और कहानी फ्लैशबैक के अंदर जाती है जहाँ पर बलगरिया के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो आपको दिखाया जाता है। जहाँ पर एक डॉन होता है जिसका नाम बक्सी है यानी कि विनोद खन्ना और देव मलिक यानी कि कबीर बेदी, इन दोनों के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से बहुत ही बड़ी खूनी जंग चल रही होती है। और इस जंग के अंदर बक्सी का बेटा काली यानी कि शाहरुख खान उसके साथ होता है, तो दूसरी बार मालिक जो मलिक की बेटी मीरा यानी कि उसके जो पिता के साथ वो होती है। तो मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है और एक एक खूनी जो बिड़द है इनके बाद मीरा को लगता है कि काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। और इसी लड़ाई के अंदर काली अपने पिता को भी खो बैठता है और यहीं से जो काली हॉस्टल में पढ़ रहे अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा जाता है। और अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी है इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आती है। तो क्या यहाँ पर आगे होता है वो तो आपको फिल्म के अंदर ही देखने को मिलेगा। फिल्म के अंदर बहुत सारे प्लस पॉइंट है जो कि आपको फिल्म देखने के लिए बांधे रखते हैं। बतौर डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने बहुत ही तगड़ा काम किया हुआ है, आपको पता ही है कि रोहित शेट्टी हर मूवी के अंदर कुछ नया करते हैं और इस फिल्म के अंदर भी उनका डायरेक्शन, गाने, सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं। फिल्म के गाने भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप यूट्यूब पर आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। और इस फिल्म की जो लव स्टोरी भी काफ़ी बढ़िया है। दूसरी बार रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख खान और काजल की लव स्टोरी को सही से ट्रैक पर नहीं ले पाए, लेकिन हाँ जो एक्शन सीन यहाँ पर चलते हैं वो काफ़ी दमदार है, खासकर वो रेवेंज स्टोरी काफ़ी बढ़िया थी। अगर आप आइसलैंड में शूट गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मन माई इमोशनल यंगस्टर में हिट है, प्रीतम का यहाँ पर म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट बैठता है। अगर आप शाहरुख खान या फिर काजल के फैन हो तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करें। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक के अंदर देखना चाहते हैं तो फिर आप दिलवाले मूवी को चेकआउट कर सकते हैं जो आपको निराश नहीं करेंगे। अगर आपको रेवेंज या फिर रोमांटिक टाइप मूवीज देखना अच्छा लगता है तो मैं आपके लिए कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम दिलवाले है। और वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर मिलेंगी। तो अगर आप लोग भी इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की मूवी दिलवाले को इंजॉय कर सकें। दिलवाले जो कि 2015 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर रोमांस और एक्शन आपको देखने को मिला था और इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे और लगभग 35 मिनट का है। अगर हम रेटिंग की बात करें तो रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.1 की इसे रेटिंग मिली है और बाकी जो गूगल यूजर है वहाँ पर जो है वो 3 स्टार मिले हुए हैं, मतलब जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर 3 स्टार मिले हुए हैं और जो गूगल यूजर है वहाँ पर 68% लोगों ने लाइक किया हुआ है।
और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रोहित सेठी ने। तो रोहित सेठी एक जबरदस्त डायरेक्टर है और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दे रखी है। अगर हम इनकी मूवीज के बारे में बात करें तो सिंघम और पूरी गोलमाल सीरीज, सिम्बा, सूर्यवंशी, चेन्नई एक्सप्रेस, बोल बच्चन, जमीन और ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले भी दे चुके हैं जो कि ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगी है। लेकिन हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी जो इतना कुछ कमाल नहीं कर पाई, लेकिन हाँ दोस्तों वो एक ज़बरदस्त डायरेक्टर तो है ही, इसमें कोई भी शक नहीं है। और बहुत सारी मूवीज़ वो पहले भी अच्छी अच्छी बना चुके हैं, लेकिन जो सर्कस मूवी थी वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है फ्लॉप बनकर रह गए। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर जो होगा डायरेक्टर इसकी हर मूवी हमेशा हिट ही जाए, कहीं बार कोई ना कोई मूवी फ्लॉप भी हो सकती है, ऐसा ही शायद सर्कस के साथ ही हुआ है। तो फिल्म के जो लीड कास्ट इसमें आप सभी को देखने को मिलते हैं, शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन, कीर्ति सेनन, वरुण शर्मा, चेतना पांडे, कबीर बेदी, विनोद खन्ना, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, मुकेश तिवारी, मुरली शर्मा, प्रदीप काबरा, पंकज त्रिपाठी, नवाब शाह, नौशद अब्बास, कृष्णा कोटियाल, कमल आलिव, जहांगीर खान, चेतन पांडे, सवर अली, सुष्टि चिक्दिस, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। इसे प्रोड्यूस किया था रेड सील्स एंटरटेनमेंट ने और इसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी वही किए थे। और इसका जो बजट था वो लगभग 135 करोड़ का था और कलेक्शन लगभग 450 करोड़ का हुआ था। यहाँ पर ये बात तो कन्फर्म होती है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है वो बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही होगी। इस फिल्म का दोस्तों जो कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम तो ज़रूर है, वरना शायद इसका इतना कलेक्शन नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो गोवा के अंदर जो सीता है यानी कि कीर्ति सेनन और अपनी बड़ी बहन माया यानी कि काजल के साथ वो एक रेस्टोरेंट शुरू करती है और यहाँ इसी तरह की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम वीर होता है और जिनका रोल यहाँ पर वरुण धवन का है। वीर का बड़ा भाई यहाँ पर राज होता है यानी कि शाहरुख खान, जो कि कार मैकेनिक कम बल्कि कार डिज़ाइनर ज़्यादा होता है। वीर भी अपने भाई के साथ जो है वो उसी पेशे में है और वो पहले नज़र में ही देखता है इशिता को और देखते ही उससे वो मतलब प्यार हो जाता है, मर मिटता है। और कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दूसरे ओर राज को लड़कियां से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं होता है, लेकिन अपने छोटे भाई की जो है वो खुशी के लिए और इसकी दिल की जो गहराइयाँ है वो चाहने वाला राज के भाई की खुशी के खातिर सब कुछ कर सकता है। और एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई का इशिता की शादी के लिए बात करने के लिए उसके घर जाता है और इस तरह के घर पहुंचकर राज का सामना अपने एक आदित्य से होता है जिसे वह करीब 15 साल पहले ही बलगरिया गांव में छोड़ चुका है, मतलब गोवा में छोड़ दिया है। और अपने दोस्त शक्ति सिंह यानी कि मुकेश तिवारी और अनवर यानी कि पंकज त्रिपाठी और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में एक नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया होता है। यहाँ से कहानी के अंदर एक बहुत ही तगड़ा मोड़ आता है और कहानी फ्लैशबैक के अंदर जाती है जहाँ पर बलगरिया के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो आपको दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डॉन होता है जिसका नाम बक्सी है यानी कि विनोद खन्ना और देव मलिक यानी कि कबीर बेदी, इन दोनों के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से बहुत ही बड़ी खूनी जंग चल रही होती है और इस जंग के अंदर बक्सी का बेटा काली यानी कि शाहरुख खान उसके साथ होता है। तो दूसरी बार मालिक जो मलिक की बेटी मीरा यानी कि उसके जो पिता के साथ वो होती है, तो मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है और एक एक खूनी जो बिड़द है इनके बाद मीरा को लगता है कि काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है और इसी लड़ाई के अंदर काली अपने पिता को भी खो बैठता है। और यहीं से जो काली हॉस्टल में पढ़ रहे हैं अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा जाता है और अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी है इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आती है। तो क्या यहाँ पर आगे होता है वो तो आपको फिल्म के अंदर ही देखने को मिलेगा। फिल्म के अंदर बहुत सारे प्लस पॉइंट है जो कि आपको फिल्म देखने के लिए बांधे रखते हैं। बतौर डायरेक्टर रोहित सेठी ने बहुत ही तगड़ा काम किया हुआ है, आपको पता ही है कि रोहित सेठी हर मूवी के अंदर कुछ नया करते हैं और इस फिल्म के अंदर भी उनका डायरेक्शन, गाने, सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं। फिल्म के गाने भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप यूट्यूब पर आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। और इस फिल्म की जो लव स्टोरी वो भी काफ़ी बढ़िया है। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख खान और काजोल की लव स्टोरी को सही से ट्रैक पर नहीं ले पाए, लेकिन हाँ जो एक्शन सीन यहाँ पर चलते हैं वो काफ़ी दमदार है, खासकर वो रेवेंज स्टोरी काफ़ी बढ़िया थी। अगर आप आइसलैंड में शूट गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मन माई इमोशनल यंगस्टर में हिट है, प्रीतम का यहाँ पर म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट बैठता है। अगर आप शाहरुख खान या फिर काजोल के फैन हो तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करें,
वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक के अंदर देखना चाहते हैं तो फिर आप दिलवाले मूवी को चेकआउट कर सकते हैं, जो आपको निराश नहीं करेंगे। अगर आपको रेवेंज या फिर रोमांटिक टाइप मूवीज देखना अच्छा लगता है तो मैं आपके लिए कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूँ, जिसका नाम दिलवाले है। और वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर मिलेंगी। तो अगर आप लोग भी इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की मूवी दिलवाले को एंजॉय कर सकें। दिलवाले जो कि 2015 की बॉलीवुड की फिल्म है, जिसके अंदर रोमांस और एक्शन आपको देखने को मिला था, और इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे और लगभग 35 मिनट का है। अगर हम रेटिंग की बात करें तो रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.1 की इसी रेटिंग मिली है, और बाकी जो गूगल यूजर है वहाँ पर जो है वो 3 स्टार मिले हुए हैं, मतलब जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर 3 स्टार मिले हुए हैं, और जो गूगल यूजर है वहाँ पर 68% लोगों ने लाइक किया हुआ है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रोहित सेठी ने, तो रोहित सेठी एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दे रखी है। अगर हम इनकी मूवीज़ के बारे में बात करें तो सिंघम और पूरी गोलमाल सीरीज, सिम्बा, सूर्यवंशी, चेन्नई एक्सप्रेस, बोल बच्चन, जमीन और ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले भी दे चुके हैं, जो कि ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगी है। लेकिन हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी जो इतना कुछ कमाल नहीं कर पाई, लेकिन हाँ दोस्तों वो एक ज़बरदस्त डायरेक्टर तो ही, इसमें कोई भी शक नहीं है। और बहुत सारी मूवीज़ वो पहले भी अच्छी अच्छी बना चुके हैं, लेकिन जो सर्कस मूवी थी वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है फ्लॉप बनकर रह गए। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर जो होगा डायरेक्टर इसकी हर मूवी हमेशा हिट ही जाए, कहीं बार कोई ना कोई मूवी फ्लॉप भी हो सकती है, ऐसा ही शायद सर्कस के साथ ही हुआ है। तो फिल्म के जो लीड कास्ट इसमें आप सभी को देखने को मिलते हैं, शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन, कीर्ति सेनन, वरुण शर्मा, चेतना पांडे, कबीर बेदी, विनोद खन्ना, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, मुकेश तिवारी, मुरली शर्मा, प्रदीप काबरा, पंकज त्रिपाठी, नवाब शाह, नौशद अब्बास, कृष्णा कोटियाल, कमल आलिव, जहांगीर खान, चेतन पांडे, सवर अली, सुष्टि चिग्धिस, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। इसे प्रोड्यूस किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने और इसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी वही किए थे, और इसका जो बजट था वो लगभग 135 करोड़ का था और कलेक्शन लगभग 125 करोड़ का हुआ था। यहाँ पर ये बात तो कन्फर्म होती है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है वो बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही होगी। इस फिल्म का दोस्तों जो कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम तो ज़रूर है, वरना शायद इसका इतना कलेक्शन नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो गोवा के अंदर जोशिता है यानी कि कीर्ति सेनन और अपनी बड़ी बहन माया यानी कि काजल के साथ वो एक रेस्टोरेंट शुरू करती है, और यहाँ इसी तरह की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम वीर होता है और जिनका रोल यहाँ पर वरुण धवन का है। वीर का बड़ा भाई यहाँ पर राज होता है यानी कि शाहरुख खान, जो कि कार मैकेनिक कम बल्कि कार डिज़ाइनर ज़्यादा होता है। वीर भी अपने भाई के साथ जो है वो उसी पेशे में है और वो पहले नज़र में ही देखता है इशिता को, और देखते ही उससे वो मतलब प्यार हो जाता है, मर मिटता है, और कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और दूसरे ओर राज को लड़कियाँ से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं होता है, लेकिन अपने छोटे भाई की जो है वो खुशी के लिए और इसकी दिल की जो गहराइयाँ है वो चाहने वाला राज के भाई की खुशी के खातिर सब कुछ कर सकता है। और एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई का इशिता की शादी के लिए बात करने के लिए उसके घर जाता है, और इशिता के घर पहुँच कर राज का सामना अपने एक अतिथि से होता है जिसे वो करीब 15 साल पहले ही बलगरिया गाँव में छोड़ चुका है, मतलब गोवा में छोड़ दिया है, और अपने दोस्त शक्ति सिंह यानी कि मुकेश तिवारी और अनवर यानी कि पंकज त्रिपाठी और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में एक नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया होता है। यहाँ से कहानी के अंदर एक बहुत ही तगड़ा मोड़ आता है और कहानी फ्लैशबैक के अंदर जाती है, जहाँ पर बलगरिया के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो आपको दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डॉन होता है जिसका नाम बक्सी है यानी कि विनोद खन्ना, और देव मलिक यानी कि कबीर बेदी, इन दोनों के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से बहुत ही बड़ी खूनी जंग चल रही होती है, और इस जंग के अंदर बक्सी का बेटा काली यानी कि शाहरुख खान उसके साथ होता है, तो दूसरी बार मालिक जो मलिक की बेटी मीरा यानी कि उसके जो पिता के साथ वो होती है। तो मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है, और एक एक खूनी जो बिड़द है इनके बाद मीरा को लगता है कि काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है, और इसी लड़ाई के अंदर काली अपने पिता को भी खो बैठता है
और यहीं से जो काली हॉस्टल में पढ़ रहे हैं अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा जाता है। और अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी है इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आती है। तो क्या यहाँ पर आगे होता है वो तो आपको फिल्म के अंदर ही देखने को मिलेगा। फिल्म के अंदर बहुत सारे प्लस पॉइंट है जो कि आपको फिल्म देखने के लिए बांधे रखते हैं। बतौर डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने बहुत ही तगड़ा काम किया हुआ है। आपको पता ही है कि रोहित शेट्टी हर मूवी के अंदर कुछ नया करते हैं और इस फिल्म के अंदर भी उनका डायरेक्शन, गाने, सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं। फिल्म के गाने भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। आप यूट्यूब पर आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। और इस फिल्म की जो लव स्टोरी वो भी काफ़ी बढ़िया है। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख खान और काजोल की लव स्टोरी को सही से ट्रैक पर नहीं ले पाए, लेकिन हाँ जो एक्शन सीन यहाँ पर चलते हैं वो काफ़ी दमदार है। खासकर वो रेवेंज स्टोरी काफ़ी बढ़िया थी। अगर आप आइसलैंड में शूट गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मन माई इमोशनल यंगस्टर में हिट है, प्रीतम का यहाँ पर म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट बैठता है। अगर आप शाहरुख खान या फिर काजोल के फैन हो तो दिल वाले आपको शायद अपसेट ना करें। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक के अंदर देखना चाहते हैं तो फिर आप दिल वाले मूवी को चेकआउट कर सकते हैं, जो आपको निराश नहीं करेंगे। अगर आपको रेवेंज या फिर रोमांटिक टाइप मूवीज देखना अच्छा लगता है तो मैं आपके लिए कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम दिलवाले है। और वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर मिलेंगी। तो अगर आप लोग भी इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की मूवी दिलवाले को इंजॉय कर सकें। दिलवाले जो कि 2015 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर रोमांस और एक्शन आपको देखने को मिला था और इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे और लगभग 35 मिनट का है। अगर हम रेटिंग की बात करें तो रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.1 की से रेटिंग मिली है और बाकी जो गूगल यूजर है वहाँ पर जो है वो 3 स्टार मिले हुए हैं, मतलब जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर 3 स्टार मिले हुए हैं और जो गूगल यूजर है वहाँ पर 68% लोगों ने लाइक किया हुआ है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रोहित शेट्टी ने। तो रोहित शेट्टी एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दे रखी है। अगर हम इनकी मूवीज़ के बारे में बात करें तो सिंघम और पूरी गोलमाल सीरीज, सिम्बा, सूर्यवंशी, चेन्नई एक्सप्रेस, बोल बच्चन, जमीन और ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले भी दे चुके हैं जो कि ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगी है। लेकिन हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी जो इतना कुछ कमाल नहीं कर पाई, लेकिन हाँ दोस्तों वो एक ज़बरदस्त डायरेक्टर तो है ही, इसमें कोई भी शक नहीं है। और बहुत सारी मूवीज़ वो पहले भी अच्छी अच्छी बना चुके हैं लेकिन जो सर्कस मूवी थी वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है फ्लॉप बनकर रह गए। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर जो होगा डायरेक्टर इसकी हर मूवी हमेशा हिट ही जाए, कहीं बार कोई ना कोई मूवी फ्लॉप भी हो सकती है। ऐसा ही शायद सर्कस के साथ ही हुआ है। तो फिल्म के जो लीड कास्ट इसमें आप सभी को देखने को मिलते हैं, शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन, कीर्ति सेनन, वरुण शर्मा, चेतना पांडे, कबीर बेदी, विनोद खन्ना, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, मुकेश तिवारी, मुरली शर्मा, प्रदीप काबरा, पंकज त्रिपाठी, नवाब शाह, नौशाद अब्बास, कृष्णा कोटियाल, कमल आलिव, जहांगीर खान, चेतन पांडे, सवर अली, सुष्टि चिग्धिस, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। इसे प्रोड्यूस किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने और इसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी वही किए थे। और इसका जो बजट था वो लगभग 135 करोड़ का था और कलेक्शन लगभग 450 करोड़ का हुआ था। यहाँ पर ये बात तो कंफर्म होती है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है वो बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही होगी। इस फिल्म का दोस्तों जो कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम तो ज़रूर है वरना शायद इसका इतना कलेक्शन नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो गोवा के अंदर जो इशिता है यानी कि कीर्ति सेनन और अपनी बड़ी बहन माया यानी कि काजल के साथ वो एक रेस्टोरेंट शुरू करती है और यहाँ इशिता की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम वीर होता है और जिनका रोल यहाँ पर वरुण धवन का है। वीर का बड़ा भाई यहाँ पर राज होता है यानी कि शाहरुख खान, जो कि कार मैकेनिक कम बल्कि कार डिज़ाइनर ज़्यादा होता है। वीर भी अपने भाई के साथ जो है वो उसी पेशे में है और वो पहले नज़र में ही देखता है इशिता को और देखते ही उससे वो मतलब प्यार हो जाता है, मर मिटता है। और कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दूसरी ओर राज को लड़कियां से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं होता है, लेकिन अपने छोटे भाई की जो है वो खुशी के लिए और इसकी दिल की जो गहराइयां है
वो चाहने वाला राज जो कि भाई की खुशी के खातिर सब कुछ कर सकता है। और एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई का इशिता की शादी के लिए बात करने के लिए उसके घर जाता है। और इशिता के घर पहुंचकर राज का सामना अपने एक अतिथि से होता है जिसे वो करीब 15 साल पहले ही बलगरिया गांव में छोड़ चुका है, मतलब गोवा में छोड़ दिया है, और अपने दोस्त शक्ति सिंह यानी कि मुकेश तिवारी और अनुभव रैनी के पंकज त्रिपाठी और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में एक नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया होता है। यहाँ से कहानी के अंदर एक बहुत ही तगड़ा मोड़ आता है और कहानी फ्लैशबैक के अंदर जाती है, जहाँ पर बल्गारिया के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो आपको दिखाया जाता है। जहाँ पर एक डॉन होता है जिसका नाम बक्सी है यानी कि विनोद खन्ना, और देव मलिक यानी कि कबीर बेदी, इन दोनों के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से बहुत ही बड़ी खूनी जंग चल रही होती है। और इस जंग के अंदर बक्सी का बेटा काली यानी कि शाहरुख खान उसके साथ होता है, तो दूसरी बार मालिक जो मलिक की बेटी मीरा यानी कि उसके जो पिता के साथ वो होती है। तो मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है, और एक एक खूनी जो बिडत है इनके बाद मीरा को लगता है कि काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। और इसी लड़ाई के अंदर काली अपने पिता को भी खो बैठता है, और यहीं से जो काली हॉस्पिटल में पड़ रहे हैं अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा जाता है। और अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी है इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आती है। तो क्या यहाँ पर आगे होता है वो तो आपको फिल्म के अंदर ही देखने को मिलेगा। फिल्म के अंदर बहुत सारे प्लस पॉइंट है जो कि आपको फिल्म देखने के लिए बांधे रखते हैं। बतौर डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने बहुत ही तगड़ा काम किया हुआ है। आपको पता ही है कि रोहित शेट्टी हर मूवी के अंदर कुछ नया करते हैं, और इस फिल्म के अंदर भी उनका डायरेक्शन, गाने, सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं। फिल्म के गाने भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप यूट्यूब पर आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। और इस फिल्म की जो लव स्टोरी वो भी काफ़ी बढ़िया है। दूसरी बार रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख खान और काजोल की लव स्टोरी को सही से ट्रैक पर नहीं ले पाए, लेकिन हाँ जो एक्शन सीन यहाँ पर चलते हैं वो काफ़ी दमदार है, खासकर वो रेवेंज स्टोरी काफ़ी बढ़िया थी। अगर आप आइसलैंड में शूट गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मन माई इमोशनल यंगस्टर में हिट है, प्रीतम का यहाँ पर म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट बैठता है। अगर आप शाहरुख खान या फिर काजोल के फैन हो तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करें। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक के अंदर देखना चाहते हैं तो फिर आप दिलवाले मूवी को चेकआउट कर सकते हैं, जो आपको निराश नहीं करेंगे। अगर आपको रेवेंज या फिर रोमांटिक टाइप मूवीज देखना अच्छा लगता है तो मैं आपके लिए कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम दिलवाले है। और वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर मिलेंगी। तो अगर आप लोग भी इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की मूवी दिलवाले को इंजॉय कर सकें। दिलवाले जो कि 2015 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर रोमांस और एक्शन आपको देखने को मिला था, और इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे और लगभग 35 मिनट का है। अगर हम रेटिंग की बात करें तो रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.1 की सी रेटिंग मिली है, और बाकी जो गूगल यूजर है वहाँ पर जो है वो 3 स्टार मिले हुए हैं, मतलब जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर 3 स्टार मिले हुए हैं, और जो गूगल यूजर है वहाँ पर 68% लोगों ने लाइक किया हुआ है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रोहित शेट्टी ने, तो रोहित शेट्टी एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दे रखी है। अगर हम इनकी मूवीज़ के बारे में बात करें तो सिंघम और पूरी गोलमाल सीरीज, सिम्बा, सूर्यवंशी, चेन्नई एक्सप्रेस, बोल बच्चन, जमीन और ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले भी दे चुके हैं जो कि ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगी है। लेकिन हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी जो इतना कुछ कमाल नहीं कर पाई, लेकिन हाँ दोस्तों वो एक ज़बरदस्त डायरेक्टर तो ही, इसमें कोई भी शक नहीं है, और बहुत सारी मूवीज़ वो पहले भी अच्छी अच्छी बना चुके हैं, लेकिन जो सर्कस मूवी थी वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है फ्लॉप बनकर रह गए। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर जो होगा डायरेक्टर इसकी हर मूवी हमेशा हिट ही जाए, कहीं बार कोई ना कोई मूवी फ्लॉप भी हो सकती है, ऐसा ही शायद सर्कस के साथ ही हुआ है। तो फिल्म के जो लीड कास्ट इसमें आप सभी को देखने को मिलते हैं, शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन, कीर्ति सेनन, वरुण शर्मा, चेतना पांडे, कबीर बेदी, विनोद खन्ना, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, मुकेश तिवारी, मुरली शर्मा, प्रदीप काबरा, पंकज त्रिपाठी, नवाब शाह, नौशाद अब्बास, कृष्णा कोटियाल, कमल आलिव, जहांगीर खान, चेतन पांडे, सवर अली, सुष्टि चिग्धिस, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। इसे प्रोड्यूस किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने और इसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी वही किए थे।
और इसका जो बजट था वो लगभग 135 करोड़ का था और कलेक्शन लगभग 450 करोड़ का हुआ था। यहाँ पर ये बात तो कंफर्म होती है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है वो बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्टर रही होगी। इस फिल्म का दोस्तों जो कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम तो ज़रूर है, वरना शायद इसका इतना कलेक्शन नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो गोवा के अंदर जो जोशिता है यानी कि कीर्ति सनन और अपनी बड़ी बहन माया यानी कि काजल के साथ वो एक रेस्टोरेंट शुरू करती है, और यहाँ इसी तरह की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम वीर होता है और जिनका रोल यहाँ पर वरुण धवन का है। वीर का बड़ा भाई यहाँ पे राज होता है यानी कि शाहरुख खान, जो कि कार मैकेनिक कम बल्कि कार डिजाइनर ज़्यादा होता है। वीर भी अपने भाई के साथ जो है वो उसी पेशे में है और वो पहले नज़र में ही देखता है इशिता को, और देखते ही उससे वो मतलब प्यार हो जाता है, मर मिटता है। और कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, और दूसरे ओर राज को लड़कियां से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं होता है, लेकिन अपने छोटे भाई की जो है वो खुशी के लिए और इसकी दिल की जो गहराइयाँ है वो चाहने वाला राज के भाई की खुशी के खातिर सब कुछ कर सकता है। और एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई का इशिता की शादी के लिए बात करने के लिए उसके घर जाता है, और इशिता के घर पहुंचकर राज का सामना अपने एक अतिथि से होता है जिसे वो करीब 15 साल पहले ही बलगरिया गांव में छोड़ चुका है, मतलब गोवा में छोड़ दिया है, और अपने दोस्त शक्ति सिंह यानी कि मुकेश तिवारी और अनुभव रानी के पंकज त्रिपाठी और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में एक नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया होता है। यहाँ से कहानी के अंदर एक बहुत ही तगड़ा मोड़ आता है और कहानी फ्लैशबैक के अंदर जाती है, जहाँ पर बलगरिया के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो आपको दिखाया जाता है। जहाँ पर एक डॉन होता है जिसका नाम बक्सी है यानी कि विनोद खन्ना, और देव मलिक यानी कि कबीर बेदी, इन दोनों के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से बहुत ही बड़ी खूनी जंग चल रही होती है, और इस जंग के अंदर बक्सी का बेटा काली यानी कि शाहरुख खान उसके साथ होता है, तो दूसरी बार मालिक जो मलिक की बेटी मीरा यानी कि उसके जो पिता के साथ वो होती है। तो मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है, और एक एक खूनी जो बिड़द है इनके बाद मीरा को लगता है कि काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है, और इसी लड़ाई के अंदर काली अपने पिता को भी खो बैठता है। और यहीं से जो काली हॉस्टल में पढ़ रहे हैं अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा जाता है, और अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी है इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आती है। तो क्या यहाँ पर आगे होता है वो तो आपको फिल्म के अंदर ही देखने को मिलेगा। फिल्म के अंदर बहुत सारे प्लस पॉइंट है जो कि आपको फिल्म देखने के लिए बांधे रखते हैं। बतौर डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने बहुत ही तगड़ा काम किया हुआ है, आपको पता ही है कि रोहित शेट्टी हर मूवी के अंदर कुछ नया करते हैं, और इस फिल्म के अंदर भी उनका डायरेक्शन, गाने, सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं। फिल्म के गाने भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप यूट्यूब पर आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। और इस फिल्म की जो लव स्टोरी वो भी काफ़ी बढ़िया है। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख खान और काजोल की लव स्टोरी को सही से ट्रैक पर नहीं ले पाए, लेकिन हाँ जो एक्शन सीन यहाँ पर चलते हैं वो काफ़ी दमदार है, खासकर वो रेवेंज स्टोरी काफ़ी बढ़िया थी। अगर आप आइसलैंड में शूट गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मन माई इमोशनल यंगस्टर में हिट है, प्रीतम का यहाँ पर म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट बैठता है। अगर आप शाहरुख खान या फिर काजोल के फैन हो तो दिल वाले आपको शायद अपसेट ना करें। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक के अंदर देखना चाहते हैं तो फिर आप दिल वाले मूवी को चेकआउट कर सकते हैं, जो आपको निराश नहीं करेंगे। अगर आपको रेवेंज या फिर रोमांटिक टाइप मूवीज देखना अच्छा लगता है तो मैं आपके लिए कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम दिलवाले है। और वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर मिलेंगी। तो अगर आप लोग भी इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की मूवी दिलवाले को इंजॉय कर सकें। दिलवाले जो कि 2015 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर रोमांस और एक्शन आपको देखने को मिला था, और इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे और लगभग 35 मिनट का है। अगर हम रेटिंग की बात करें तो रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.1 की से रेटिंग मिली है, और बाकी जो गूगल यूजर है वहाँ पर जो है वो 3 स्टार मिले हुए हैं, मतलब जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर 3 स्टार मिले हुए हैं, और जो गूगल यूजर है वहाँ पर 68% लोगों ने लाइक किया हुआ है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रोहित शेट्टी ने, तो रोहित शेट्टी एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दे रखी है। अगर हम इनकी मूवीज़ के बारे में बात करें तो सिंघम और पूरी गोलमाल सीरीज, सिम्बा, सूर्यवंशी, चेन्नई एक्सप्रेस, बोल बच्चन, जमीन,
और ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज वो पहले भी दे चुके हैं जो कि ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगी है। लेकिन हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी जो इतना कुछ कमाल नहीं कर पाई, लेकिन हाँ दोस्तों वो एक जबरदस्त डायरेक्टर तो है ही, इसमें कोई भी शक नहीं है। और बहुत सारी मूवीज वो पहले भी अच्छी अच्छी बना चुके हैं, लेकिन जो सर्कस मूवी थी वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है फ्लॉप बनकर रह गए। हालांकि जरूरी नहीं है कि हर जो होगा डायरेक्टर इसकी हर मूवी हमेशा हिट ही जाए, कई बार कोई ना कोई मूवी फ्लॉप भी हो सकती है। ऐसा ही शायद सर्कस के साथ ही हुआ है। तो फिल्म के जो लीड कास्ट इसमें आप सभी को देखने को मिलते हैं, शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन, कीर्ति सेनन, वरुण शर्मा, चेतना पांडे, कबीर बेदी, विनोद खन्ना, बोमन ईरानी, जॉनी लेवर, मुकेश तिवारी, मुरली शर्मा, प्रदीप काबरा, पंकज त्रिपाठी, नवाब शाह, नौशाद अब्बास, कृष्णा कोटियाल, कमल आलिव, जहांगीर खान, चेतन पांडे, सवर अली, सृष्टि चिग्धिस, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। इसे प्रोड्यूस किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने और इसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी वही किए थे। और इसका जो बजट था वो लगभग 135 करोड़ का था और कलेक्शन लगभग 245 करोड़ का हुआ था। यहाँ पर ये बात तो कंफर्म होती है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है वो बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्टर रही होगी। इस फिल्म का दोस्तों जो कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम तो ज़रूर है, वरना शायद इसका इतना कलेक्शन नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो गोवा के अंदर जो इशिता है यानी कि कीर्ति सनन और अपनी बड़ी बहन माया यानी कि काजल के साथ वो एक रेस्टोरेंट शुरू करती है। और यहाँ इसी तरह की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम वीर होता है और जिनका रोल यहाँ पर वरुण धवन का है। वीर का बड़ा भाई यहाँ पर राज होता है यानी कि शाहरुख खान, जो कि कार मैकेनिक कम बल्कि कार डिजाइनर ज़्यादा होता है। वीर भी अपने भाई के साथ जो है वो उसी पेशे में है और वो पहले नज़र में ही देखता है इशिता को और देखते ही उससे वो मतलब प्यार हो जाता है, मर मिटता है। और कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दूसरे और राज को लड़कियां से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं होता है, लेकिन अपने छोटे भाई की जो है वो खुशी के लिए और इसकी दिल की जो गहराइया है वो चाहने वाला राज के भाई की खुशी के खातिर सब कुछ कर सकता है। और एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई का इशिता की शादी के लिए बात करने के लिए उसके घर जाता है। और इशिता के घर पहुँच कर राज का सामना अपने एक अतिथि से होता है जिसे वो करीब 15 साल पहले ही बलगरिया गांव में छोड़ चुका है, मतलब गोवा में छोड़ दिया है। और अपने दोस्त शक्ति सिंह यानी कि मुकेश तिवारी और अनवर यानी कि पंकज त्रिपाठी और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में एक नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया होता है। यहाँ से कहानी के अंदर एक बहुत ही तगड़ा मोड़ आता है और कहानी फ्लैशबैक के अंदर जाती है जहाँ पर बलगरिया के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो आपको दिखाया जाता है। जहाँ पर एक डॉन होता है जिसका नाम बक्सी है यानी कि विनोद खन्ना और देव मलिक यानी कि कबीर बेदी, इन दोनों के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से बहुत ही बड़ी खूनी जंग चल रही होती है। और इस जंग के अंदर बक्सी का बेटा काली यानी कि शाहरुख खान उसके साथ होता है, तो दूसरी बार मालिक जो मलिक की बेटी मीरा यानी कि उसके जो पिता के साथ वो होती है। तो मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है। और एक एक खूनी जो बिड़द है इनके बाद मीरा को लगता है कि काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। और इसी लड़ाई के अंदर काली अपने पिता को भी खो बैठता है। और यहीं से जो काली हॉस्टल में पढ़ रहे हैं अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा जाता है। और अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी है इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आती है। तो क्या यहाँ पर आगे होता है वो तो आपको फिल्म के अंदर ही देखने को मिलेगा। फिल्म के अंदर बहुत सारे प्लस पॉइंट है जो कि आपको फिल्म देखने के लिए बांधे रखते हैं। बतौर डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने बहुत ही तगड़ा काम किया हुआ है। आपको पता ही है कि रोहित शेट्टी हर मूवी के अंदर कुछ नया करते हैं और इस फिल्म के अंदर भी उनका डायरेक्शन, गाने, सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलता है। फिल्म के गाने भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप यूट्यूब पर आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। और इस फिल्म की जो लव स्टोरी वो भी काफ़ी बढ़िया है। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख खान और काजोल की लव स्टोरी को सही से ट्रैक पर नहीं ले पाए, लेकिन हाँ जो एक्शन सीन यहाँ पर चलते हैं वो काफ़ी दमदार है, खासकर वो रेवेंज स्टोरी काफ़ी बढ़िया थी। अगर आप आइसलैंड में शूट गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मन माई इमोशनल यंगस्टर में हिट है, प्रीतम का यहाँ पर म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट बैठता है। अगर आप शाहरुख खान या फिर काजोल के फैन हो तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करें। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक के अंदर देखना चाहते हैं तो फिर आप दिलवाले मूवी को चेकआउट कर सकते हैं जो आपको निराश नहीं करेंगे। अगर आपको रेवेंज या फिर रोमांटिक टाइप मूवीज देखना अच्छा लगता है तो मैं आपके लिए कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम दिलवाले है।
और वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर मिलेंगी। तो अगर आप लोग भी इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की मूवी दिलवाले को एंजॉय कर सकें। दिलवाले जो कि 2015 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर रोमांस और एक्शन आपको देखने को मिला था और इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे और लगभग 35 मिनट का है। अगर हम रेटिंग की बात करें तो रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.1 की से रेटिंग मिली है और बाकी जो गूगल यूजर है वहाँ पर जो है वो 3 स्टार मिले हुए हैं, मतलब जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर 3 स्टार मिले हुए हैं और जो गूगल यूजर है वहाँ पर 68% लोगों ने लाइक किया हुआ है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रोहित सेठी ने, तो रोहित सेठी एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दे रखी है। अगर हम इनकी मूवीज़ के बारे में बात करें तो सिंघम और पूरी गोलमाल सीरीज, सिम्बा, सूर्यवंशी, चेन्नई एक्सप्रेस, बोल बच्चन, जमीन और ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले भी दे चुके हैं जो कि ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगी है। लेकिन हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी जो इतना कुछ कमाल नहीं कर पाई, लेकिन हाँ दोस्तों वो एक ज़बरदस्त डायरेक्टर तो है ही, इसमें कोई भी शक नहीं है। और बहुत सारी मूवीज़ वो पहले भी अच्छी अच्छी बना चुके हैं लेकिन जो सर्कस मूवी थी वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है फ्लॉप बनकर रह गए। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर जो होगा डायरेक्टर इसकी हर मूवी हमेशा हिट ही जाए, कहीं बार कोई ना कोई मूवी फ्लॉप भी हो सकती है, ऐसा ही शायद सर्कस के साथ ही हुआ है। तो फिल्म के जो लीड कास्ट इसमें आप सभी को देखने को मिलते हैं, शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन, कीर्ति सेनन, वरुण शर्मा, चेतना पांडे, कबीर बेदी, विनोद खन्ना, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, मुकेश तिवारी, मुरली शर्मा, प्रदीप काबरा, पंकज त्रिपाठी, नवाब शाह, नौशद अब्बास, कृष्णा कोटियाल, कमल आलिव, जहांगीर खान, चेतन पांडे, सवर अली, सुष्टि चिद्धिस, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। इसे प्रोड्यूस किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने और इसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी वही किए थे और इसका जो बजट था वो लगभग 135 करोड़ का था और कलेक्शन लगभग 125 करोड़ का हुआ था। यहाँ पर ये बात तो कन्फर्म होती है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है वो बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही होगी। इस फिल्म का दोस्तों जो कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम तो ज़रूर है वरना शायद इसका इतना कलेक्शन नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो गोवा के अंदर जो शिता है यानी कि कीर्ति सेनन और अपनी बड़ी बहन माया यानी कि काजल के साथ वो एक रेस्टोरेंट शुरू करती है और यहाँ इसी तरह की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम वीर होता है और जिनका रोल यहाँ पर वरुण धवन का है। वीर का बड़ा भाई यहाँ पर राज होता है यानी कि शाहरुख खान, जो कि कार मैकेनिक कम बल्कि कार डिज़ाइनर ज़्यादा होता है। वीर भी अपने भाई के साथ जो है वो उसी पेशे में है और वो पहले नज़र में ही देखता है इशिता को और देखते ही उससे वो मतलब प्यार हो जाता है, मर मिटता है और कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दूसरे और राज को लड़कियाँ से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं होता है, लेकिन अपने छोटे भाई की जो है वो खुशी के लिए और इसकी दिल की जो गहराइयाँ है वो चाहने वाला राज के भाई की खुशी के खातिर सब कुछ कर सकता है। और एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई का इशिता की शादी के लिए बात करने के लिए उसके घर जाता है और इस तरह के घर पहुँच कर राज का सामना अपने एक अतिथि से होता है जिसे वह करीब 15 साल पहले ही बलगरिया गांव में छोड़ चुका है, मतलब गोवा में छोड़ दिया है और अपने दोस्त शक्ति सिंह यानी कि मुकेश तिवारी और अनवर यानी कि पंकज त्रिपाठी और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में एक नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया होता है। यहाँ से कहानी के अंदर एक बहुत ही तगड़ा मोड़ आता है और कहानी फ्लैशबैक के अंदर जाती है जहाँ पर बलगरिया के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो आपको दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डॉन होता है जिसका नाम बक्सी है यानी कि विनोद खन्ना और देव मलिक यानी कि कबीर बेदी, इन दोनों के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से बहुत ही बड़ी खूनी जंग चल रही होती है और इस जंग के अंदर बक्सी का बेटा काली यानी कि शाहरुख खान उसके साथ होता है, तो दूसरी बार मालिक जो मलिक की बेटी मीरा यानी कि उसके जो पिता के साथ वो होती है। तो मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है और एक एक खूनी जो बिड़द है इनके बाद मीरा को लगता है कि काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है और इसी लड़ाई के अंदर काली अपने पिता को भी खो बैठता है और यहीं से जो काली हॉस्टल में पढ़ रहे हैं अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा जाता है और अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी है इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आती है। तो क्या यहाँ पर आगे होता है वो तो आपको फिल्म के अंदर ही देखने को मिलेगा। फिल्म के अंदर बहुत सारे प्लस पॉइंट है
जो कि आपको फिल्म देखने के लिए बांधे रखते हैं। बतौर डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने बहुत ही तगड़ा काम किया हुआ है। आपको पता ही है कि रोहित शेट्टी हर मूवी के अंदर कुछ नया करते हैं, और इस फिल्म के अंदर भी उनका डायरेक्शन, गाने, सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं। फिल्म के गाने भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। आप यूट्यूब पर आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। और इस फिल्म की जो लव स्टोरी वो भी काफ़ी बढ़िया है। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख खान और काजोल के लव स्टोरी को सही से ट्रैक पर नहीं ले पाए, लेकिन हाँ जो एक्शन सीन यहाँ पर चलते हैं वो काफ़ी दमदार है। खासकर वो रेवेंज स्टोरी काफ़ी बढ़िया थी। अगर आप आइसलैंड में शूट गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मन माई इमोशनल यंगस्टर में हिट है, प्रीतम का यहाँ पर म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट बैठता है। अगर आप शाहरुख खान या फिर काजोल के फैन हो तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करें। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक के अंदर देखना चाहते हैं तो फिर आप दिलवाले मूवी को चेकआउट कर सकते हैं, जो आपको निराश नहीं करेंगे। अगर आपको रेवेंज या फिर रोमांटिक टाइप मूवीज देखना अच्छा लगता है तो मैं आपके लिए कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूँ, जिसका नाम दिलवाले है। और वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर मिलेंगी। तो अगर आप लोग भी इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की मूवी दिलवाले को एंजॉय कर सकें। दिलवाले जो कि 2015 की बॉलीवुड की फिल्म है, जिसके अंदर रोमांस और एक्शन आपको देखने को मिला था, और इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे और लगभग 35 मिनट का है। अगर हम रेटिंग की बात करें तो रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 5.1 की इसे रेटिंग मिली है, और बाकी जो गूगल यूजर है वहाँ पर जो है वो 3 स्टार मिले हुए हैं, मतलब जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर 3 स्टार मिले हुए हैं, और जो गूगल यूजर है वहाँ पर 68% लोगों ने लाइक किया हुआ है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रोहित शेट्टी ने। तो रोहित शेट्टी एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है, और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दे रखी है। अगर हम इनकी मूवीज़ के बारे में बात करें तो सिंघम और पूरी गोलमाल सीरीज, सिम्बा, सूर्यवंशी, चेन्नई एक्सप्रेस, बोल बच्चन, जमीन और ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले भी दे चुके हैं, जो कि ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगी है। लेकिन हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी जो इतना कुछ कमाल नहीं कर पाई, लेकिन हाँ दोस्तों वो एक ज़बरदस्त डायरेक्टर तो है ही, इसमें कोई भी शक नहीं है। और बहुत सारी मूवीज़ वो पहले भी अच्छी अच्छी बना चुके हैं, लेकिन जो सर्कस मूवी थी वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, और वो बॉक्स ऑफिस के पर दोस्तों जो है फ्लॉप बनकर रह गए। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर जो होगा डायरेक्टर इसकी हर मूवी हमेशा हिट ही जाए, कहीं बार कोई ना कोई मूवी फ्लॉप भी हो सकती है, ऐसा ही शायद सर्कस के साथ ही हुआ है। तो फिल्म के जो लीड कास्ट, इसमें आप सभी को देखने को मिलते हैं शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन, कीर्ति सेनन, वरुण शर्मा, चेतना पांडे, कबीर बेदी, विनोद खन्ना, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, मुकेश तिवारी, मुरली शर्मा, प्रदीप काबरा, पंकज त्रिपाठी, नवाब शाह, नौशाद अब्बास, कृष्णा कोटियाल, कमल आलिव, जहांगीर खान, चेतन पांडे, सवर अली, सृष्टि चिग्धिस, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। इसे प्रोड्यूस किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने, और इसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी वही किए थे। और इसका जो बजट था वो लगभग 135 करोड़ का था, और कलेक्शन लगभग 125 करोड़ का हुआ था। यहाँ पर ये बात तो कंफर्म होती है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है वो बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही होगी। इस फिल्म का दोस्तों जो कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम तो ज़रूर है, वरना शायद इसका कितना कलेक्शन नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो गोवा के अंदर जो इशिता है यानी कि कीर्ति सनन और अपनी बड़ी बहन माया यानी कि काजल के साथ वो एक रेस्टोरेंट शुरू करती है, और यहाँ इशिता की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम वीर होता है, और जिनका रोल यहाँ पर वरुण धवन का है। वीर का बड़ा भाई यहाँ पे राज होता है यानी कि शाहरुख खान, जो कि कार मैकेनिक कम बल्कि कार डिजाइनर ज़्यादा होता है। वीर भी अपने भाई के साथ जो है वो उसी पेशे में है, और वो पहले नज़र में ही देखता है इशिता को, और देखते ही उससे वो मतलब प्यार हो जाता है, मर मिटता है। और कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, और दूसरे ओर राज को लड़कियां से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं होता है, लेकिन अपने छोटे भाई की जो है वो खुशी के लिए और इसकी दिल की जो गहराइयां है वो चाहने वाला राज के भाई की खुशी के खातिर सब कुछ कर सकता है। और एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई का इशिता की शादी के लिए बात करने के लिए उसके घर जाता है, और इशिता के घर पहुँच कर राज का सामना अपने एक आदित्य से होता है, जिसे वो करीब 15 साल पहले ही बलगरिया गांव में छोड़ चुका है, मतलब गोवा में छोड़ दिया है।
और अपने दोस्त शक्ति सिंह यानी कि मुकेश तिवारी और अनवर यानी कि पंकज त्रिपाठी और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में एक नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया होता है। यहाँ से कहानी के अंदर एक बहुत ही तगड़ा मोड़ आता है और कहानी फ्लैशबैक के अंदर जाती है, जहाँ पर बल्गारिया के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो आपको दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डॉन होता है जिसका नाम बक्सी है यानी कि विनोद खन्ना और देव मलिक यानी कि कबीर बेदी। इन दोनों के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से बहुत ही बड़ी खूनी जंग चल रही होती है और इस जंग के अंदर बक्सी का बेटा काली यानी कि शाहरुख खान उसके साथ होता है, तो दूसरी बार मलिक जो मलिक की बेटी मीरा यानी कि उसके जो पिता के साथ वो होती है। तो मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है और एक एक खूनी जो बिड़द है इनके बाद मीरा को लगता है कि काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है और इसी लड़ाई के अंदर काली अपने पिता को भी खो बैठता है और यहीं से जो काली हॉस्टल में पढ़ रहे हैं अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा जाता है और अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी है इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आती है। तो क्या यहाँ पर आगे होता है वो तो आपको फिल्म के अंदर ही देखने को मिलेगा। फिल्म के अंदर बहुत सारे प्लस पॉइंट है जो कि आपको फिल्म देखने के लिए बांधे रखते हैं। बतौर डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने बहुत ही तगड़ा काम किया हुआ है, आपको पता ही है कि रोहित शेट्टी हर मूवी के अंदर कुछ नया करते हैं और इस फिल्म के अंदर भी उनका डायरेक्शन, गाने, सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलता है। फिल्म के गाने भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप यूट्यूब पर आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। और इस फिल्म की जो लव स्टोरी वो भी काफ़ी बढ़िया है। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख खान और काजोल की लव स्टोरी को सही से ट्रैक पर नहीं ले पाए, लेकिन हाँ जो एक्शन सीन यहाँ पर चलते हैं वो काफ़ी दमदार है, खासकर वो रेवेंज स्टोरी काफ़ी बढ़िया थी। अगर आप आइसलैंड में शूट गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मन माय इमोशनल यंगस्टर में हिट है, प्रीतम का यहाँ पर म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट बैठता है। अगर आप शाहरुख खान या फिर काजोल के फैन हो तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करें। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक के अंदर देखना चाहते हैं तो फिर आप दिलवाले मूवी को चेकआउट कर सकते हैं, जो आपको निराश नहीं करेंगे। अगर आपको रेवेंज या फिर रोमांटिक टाइप मूवीज देखना अच्छा लगता है तो मैं आपके लिए कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम दिलवाले है। और वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर मिलेंगी। तो अगर आप लोग भी इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की मूवी दिलवाले को एंजॉय कर सकें। दिलवाले जो कि 2015 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर रोमांस और एक्शन आपको देखने को मिला था और इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे और लगभग 35 मिनट का है। अगर हम रेटिंग की बात करें तो रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, जो IMDB है वहाँ पर 10/5.1 की से रेटिंग मिली है और बाकी जो गूगल यूजर है वहाँ पर जो है वो 3 स्टार मिले हुए हैं, मतलब जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर 3 स्टार मिले हुए हैं और जो गूगल यूजर है वहाँ पर 68% लोगों ने लाइक किया हुआ है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रोहित शेट्टी ने, तो रोहित शेट्टी एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दे रखी है। अगर हम इनकी मूवीज़ के बारे में बात करें तो सिंघम और पूरी गोलमाल सीरीज, सिम्बा, सूर्यवंशी, चेन्नई एक्सप्रेस, बोल बच्चन, जमीन और ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले भी दे चुके हैं जो कि ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगी है, लेकिन हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी जो इतना कुछ कमाल नहीं कर पाई। लेकिन हाँ दोस्तों वो एक ज़बरदस्त डायरेक्टर तो है ही, इसमें कोई भी शक नहीं है, और बहुत सारी मूवीज़ वो पहले भी अच्छी अच्छी बना चुके हैं, लेकिन जो सर्कस मूवी थी वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है फ्लॉप बनकर रह गए। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर जो होगा डायरेक्टर इसकी हर मूवी हमेशा हिट ही जाए, कहीं बार कोई ना कोई मूवी फ्लॉप भी हो सकती है, ऐसा ही शायद सर्कस के साथ ही हुआ है। तो फिल्म के जो लीड कास्ट इसमें आप सभी को देखने को मिलते हैं, शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन, कीर्ति सेनन, वरुण शर्मा, चेतना पांडे, कबीर बेदी, विनोद खन्ना, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, मुकेश तिवारी, मुरली शर्मा, प्रदीप काबरा, पंकज त्रिपाठी, नवाब शाह, नौशद अब्बास, कृष्णा कोटियाल, कमल आलिव, जहांगीर खान, चेतन पांडे, सवर अली, सुष्टि चिग्धिस, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। इसे प्रोड्यूस किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने और इसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी वही किए थे और इसका जो बजट था वो लगभग 135 करोड़ का था और कलेक्शन लगभग 125 करोड़ का हुआ था। यहाँ पर ये बात तो कन्फर्म होती है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है वो बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही होगी। इस फिल्म का दोस्तों जो कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम तो ज़रूर है, वरना शायद इसका इतना कलेक्शन नहीं होता।
तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो गोवा के अंदर जोशिता है यानी कि कीर्ति सनन और अपनी बड़ी बहन माया यानी कि काजल के साथ वो एक रेस्टोरेंट शुरू करती है। और यहाँ इसी तरह की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम वीर होता है और जिनका रोल यहाँ पर वरुण धवन का है। वीर का बड़ा भाई यहाँ पर राज होता है यानी कि शाहरुख खान, जो कि कार मैकेनिक कम बल्कि कार डिज़ाइनर ज़्यादा होता है। वीर भी अपने भाई के साथ जो है वो उसी पेशे में है और वो पहले नज़र में ही देखता है इशिता को और देखते ही उससे वो मतलब प्यार हो जाता है, मर मिटता है। और कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दूसरे ओर राज को लड़कियां से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं होता है, लेकिन अपने छोटे भाई की जो है वो खुशी के लिए और इसकी दिल की जो गहराइयाँ है वो चाहने वाला राज की भाई की खुशी के खातिर सब कुछ कर सकता है। और एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई का इशिता की शादी के लिए बात करने के लिए उसके घर जाता है और इस तरह के घर पहुँच कर राज का सामना अपने एक अतिथि से होता है जिसे वह करीब 15 साल पहले ही बलगरिया गांव में छोड़ चुका है, मतलब गोवा में छोड़ दिया है। और अपने दोस्त शक्ति सिंह यानी कि मुकेश तिवारी और अनवर यानी कि पंकज त्रिपाठी और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में एक नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया होता है। यहाँ से कहानी के अंदर एक बहुत ही तगड़ा मोड़ आता है और कहानी फ्लैशबैक के अंदर जाती है जहाँ पर बलगरिया के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो आपको दिखाया जाता है। जहाँ पर एक डॉन होता है जिसका नाम बक्सी है यानी कि विनोद खन्ना और देव मलिक यानी कि कबीर बेदी, इन दोनों के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से बहुत ही बड़ी खूनी जंग चल रही होती है। और इस जंग के अंदर बक्सी का बेटा काली यानी कि शाहरुख खान उसके साथ होता है, तो दूसरी बार मालिक जो मलिक की बेटी मीरा यानी कि उसके जो पिता के साथ वो होती है। तो मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है और एक एक खूनी जो बिड़द है इनके बाद मीरा को लगता है कि काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। और इसी लड़ाई के अंदर काली अपने पिता को भी खो बैठता है और यहीं से जो काली हॉस्टल में पढ़ रहे हैं अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा जाता है। और अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी है इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आती है। तो क्या यहाँ पर आगे होता है वो तो आपको फिल्म के अंदर ही देखने को मिलेगा। फिल्म के अंदर बहुत सारे प्लस पॉइंट है जो कि आपको फिल्म देखने के लिए बांधे रखते हैं। बतौर डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने बहुत ही तगड़ा काम किया हुआ है, आपको पता ही है कि रोहित शेट्टी हर मूवी के अंदर कुछ नया करते हैं और इस फिल्म के अंदर भी उनका डायरेक्शन, गाने, सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं। फिल्म के गाने भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप यूट्यूब पर आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। और इस फिल्म की जो लव स्टोरी वो भी काफ़ी बढ़िया है। दूसरी बार रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख खान और काजल की लव स्टोरी को सही से ट्रैक पर नहीं ले पाए, लेकिन हाँ जो एक्शन सीन यहाँ पर चलते हैं वो काफ़ी दमदार है, खासकर वो रेवेंज स्टोरी काफ़ी बढ़िया थी। अगर आप आइसलैंड में शूट गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मन माई इमोशनल यंगस्टर में हिट है, प्रीतम का यहाँ पर म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट बैठता है। अगर आप शाहरुख खान या फिर काजोल के फैन हो तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करें। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक के अंदर देखना चाहते हैं तो फिर आप दिलवाले मूवी को चेकआउट कर सकते हैं जो आपको निराश नहीं करेंगे। अगर आपको रेवेंज या फिर रोमांटिक टाइप मूवीज देखना अच्छा लगता है तो मैं आपके लिए कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम दिलवाले है। और वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर मिलेंगी। तो अगर आप लोग भी इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की मूवी दिलवाले को एंजॉय कर सकें। दिलवाले जो कि 2015 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर रोमांस और एक्शन आपको देखने को मिला था और इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे और लगभग 35 मिनट का है। अगर हम रेटिंग की बात करें तो रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.1 की इसे रेटिंग मिली है और बाकी जो गूगल यूजर है वहाँ पर जो है वो 3 स्टार मिले हुए हैं, मतलब जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर 3 स्टार मिले हुए हैं और जो गूगल यूजर है वहाँ पर 68% लोगों ने लाइक किया हुआ है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रोहित शेट्टी ने, तो रोहित शेट्टी एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दे रखी है। अगर हम इनकी मूवीज़ के बारे में बात करें तो सिंघम और पूरी गोलमाल सीरीज, सिम्बा, सूर्यवंशी, चेन्नई एक्सप्रेस, बोल बच्चन, जमीन और ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले भी दे चुके हैं जो कि ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगी है, लेकिन हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी जो इतना कुछ कमाल नहीं कर पाई। लेकिन हाँ दोस्तों वो एक ज़बरदस्त डायरेक्टर तो है, इसमें कोई भी शक नहीं है और बहुत सारी मूवीज़ वो पहले भी अच्छी अच्छी बना चुके हैं, लेकिन जो सर्कस मूवी थी वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है फ्लॉप बनकर रह गए।
हालांकि जरूरी नहीं है कि हर जो होगा डायरेक्टर इसकी हर मूवी हमेशा हिट ही जाए, कहीं बार कोई ना कोई मूवी फ्लॉप भी हो सकती है। ऐसा ही शायद सर्कस के साथ ही हुआ है। तो फिल्म के जो लीड कास्ट इसमें आप सभी को देखने को मिलते हैं, शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन, कीर्ति सेनन, वरुण शर्मा, चेतना पांडे, कबीर बेदी, विनोद खन्ना, बोमन ईरानी, जॉनी लेवर, मुकेश तिवारी, मुरली शर्मा, प्रदीप काबरा, पंकज त्रिपाठी, नवाब शाह, नौशाद अब्बास, कृष्णा कोटियाल, कमल आलिव, जहांगीर खान, चेतन पांडे, सवर अली, सुष्टि चिग्धिस, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। इसे प्रोड्यूस किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने और इसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी वही किए थे। और इसका जो बजट था वो लगभग 135 करोड़ का था और कलेक्शन लगभग 125 करोड़ का हुआ था। यहाँ पर ये बात तो कन्फर्म होती है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है वो बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही होगी। इस फिल्म का दोस्तों जो कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम तो ज़रूर है, वरना शायद इसका इतना कलेक्शन नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो गोवा के अंदर जो इशिता है यानी कि कीर्ति सेनन और अपनी बड़ी बहन माया यानी कि काजल के साथ वो एक रेस्टोरेंट शुरू करती है, और यहाँ इशिता की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम वीर होता है और जिनका रोल यहाँ पर वरुण धवन का है। वीर का बड़ा भाई यहाँ पर राज होता है यानी कि शाहरुख खान, जो कि कार मैकेनिक कम बल्कि कार डिज़ाइनर ज़्यादा होता है। वीर भी अपने भाई के साथ जो है वो उसी पेशे में है और वो पहले नज़र में ही देखता है इशिता को और देखते ही उससे वो मतलब प्यार हो जाता है, मर मिटता है। और कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दूसरे और राज को लड़कियाँ से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं होता है, लेकिन अपने छोटे भाई की जो है वो खुशी के लिए और इसकी दिल की जो गहराइयाँ है वो चाहने वाला राज के भाई की खुशी के खातिर सब कुछ कर सकता है। और एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई का इशिता की शादी के लिए बात करने के लिए उसके घर जाता है, और इशिता के घर पहुँच कर राज का सामना अपने एक अतिथि से होता है जिसे वो करीब 15 साल पहले ही बलगरिया गांव में छोड़ चुका है, मतलब गोवा में छोड़ दिया है। और अपने दोस्त शक्ति सिंह यानी कि मुकेश तिवारी और अनवर यानी कि पंकज त्रिपाठी और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में एक नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया होता है। यहाँ से कहानी के अंदर एक बहुत ही तगड़ा मोड़ आता है और कहानी फ्लैशबैक के अंदर जाती है, जहाँ पर बलगरिया के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो आपको दिखाया जाता है। जहाँ पर एक डॉन होता है जिसका नाम बक्सी है यानी कि विनोद खन्ना, और देव मलिक यानी कि कबीर बेदी, इन दोनों के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से बहुत ही बड़ी खूनी जंग चल रही होती है। और इस जंग के अंदर बक्सी का बेटा काली यानी कि शाहरुख खान उसके साथ होता है, तो दूसरी बार मालिक जो मलिक की बेटी मीरा यानी कि उसके जो पिता के साथ वो होती है। तो मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है, और एक एक खूनी जो बिड़द है इनके बाद मीरा को लगता है कि काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। और इसी लड़ाई के अंदर काली अपने पिता को भी खो बैठता है, और यहीं से जो काली हॉस्पिटल में पड़ रहे अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा जाता है। और अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी है इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आती है। तो क्या यहाँ पर आगे होता है वो तो आपको फिल्म के अंदर ही देखने को मिलेगा। फिल्म के अंदर बहुत सारे प्लस पॉइंट है जो कि आपको फिल्म देखने के लिए बांधे रखते हैं। बतौर डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने बहुत ही तगड़ा काम किया हुआ है, आपको पता ही है कि रोहित शेट्टी हर मूवी के अंदर कुछ नया करते हैं, और इस फिल्म के अंदर भी उनका डायरेक्शन, गाने, सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं। फिल्म के गाने भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप यूट्यूब पर आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। और इस फिल्म की जो लव स्टोरी भी काफ़ी बढ़िया है। दूसरी बार रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख खान और काजोल की लव स्टोरी को सही से ट्रैक पर नहीं ले पाए, लेकिन हाँ जो एक्शन सीन यहाँ पर चलते हैं वो काफ़ी दमदार है, खासकर वो रेवेंज स्टोरी काफ़ी बढ़िया थी। अगर आप आइसलैंड में शूट गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मन माई इमोशनल यंगस्टर में हिट है, प्रीतम का यहाँ पर म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट बैठता है, अगर आप शाहरुख खान या फिर काजोल के फैन हो तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करें। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक के अंदर देखना चाहते हैं तो फिर आप दिलवाले मूवी को चेकआउट कर सकते हैं, जो आपको निराश नहीं करेंगे। अगर आपको रेवेंज या फिर रोमांटिक टाइप मूवीज देखना अच्छा लगता है तो मैं आपके लिए कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम दिलवाले है। और वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर मिलेंगी। तो अगर आप लोग भी इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की मूवी दिलवाले को इंजॉय कर सकें। दिलवाले जो कि 2015 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर रोमांस और एक्शन आपको देखने को मिला था,
और इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे और लगभग 35 मिनट का है। अगर हम रेटिंग की बात करें तो रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.1 की इसे रेटिंग मिली है, और बाकी जो गूगल यूजर है वहाँ पर जो है वो 3 स्टार मिले हुए हैं, मतलब जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर 3 स्टार मिले हुए हैं, और जो गूगल यूजर है वहाँ पर 68% लोगों ने लाइक किया हुआ है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रोहित सेठी ने। तो रोहित सेठी एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दे रखी है। अगर हम इनकी मूवीज़ के बारे में बात करें तो सिंघम और पूरी गोलमाल सीरीज, सिम्बा, सूर्यवंशी, चेन्नई एक्सप्रेस, बोल बच्चन, जमीन और ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले भी दे चुके हैं जो कि ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगी है। लेकिन हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी जो इतना कुछ कमाल नहीं कर पाई, लेकिन हाँ दोस्तों वो एक ज़बरदस्त डायरेक्टर तो है, इसमें कोई भी शक नहीं है। और बहुत सारी मूवीज़ वो पहले भी अच्छी अच्छी बना चुके हैं, लेकिन जो सर्कस मूवी थी वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है फ्लॉप बनकर रह गए। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर जो होगा डायरेक्टर इसकी हर मूवी हमेशा हिट ही जाए, कहीं बार कोई ना कोई मूवी फ्लॉप भी हो सकती है, ऐसा ही शायद सर्कस के साथ ही हुआ है। तो फिल्म के जो लीड कास्ट इसमें आप सभी को देखने को मिलते हैं, शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन, कीर्ति सेनन, वरुण शर्मा, चेतना पांडे, कबीर बेदी, विनोद खन्ना, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, मुकेश तिवारी, मुरली शर्मा, प्रदीप काबरा, पंकज त्रिपाठी, नवाब शाह, नौशद अब्बास, कृष्णा कोटियाल, कमल आलिव, जहांगीर खान, चेतन पांडे, सवर अली, सुष्टि चिग्धिस, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। इसे प्रोड्यूस किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने और इसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी वही किए थे। और इसका जो बजट था वो लगभग 135 करोड़ का था और कलेक्शन लगभग 125 करोड़ का हुआ था। यहाँ पर ये बात तो कन्फर्म होती है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है वो बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही होगी। इस फिल्म का दोस्तों जो कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम तो ज़रूर है, वरना शायद इसका इतना कलेक्शन नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो गोवा के अंदर जो शीता है यानी कि कीर्ति सेनन और अपनी बड़ी बहन माया यानी कि काजल के साथ वो एक रेस्टोरेंट शुरू करती है, और यहाँ इसी तरह की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम वीर होता है और जिनका रोल यहाँ पर वरुण धवन का है। वीर का बड़ा भाई यहाँ पर राज होता है यानी कि शाहरुख खान, जो कि कार मैकेनिक कम बल्कि कार डिज़ाइनर ज़्यादा होता है। वीर भी अपने भाई के साथ जो है वो उसी पेशे में है और वो पहले नज़र में ही देखता है इशिता को और देखते ही उससे वो मतलब प्यार हो जाता है, मर मिटता है। और कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दूसरे और राज को लड़कियाँ से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं होता है, लेकिन अपने छोटे भाई की जो है वो खुशी के लिए और इसकी दिल की जो गहराइयाँ है वो चाहने वाला राज के भाई की खुशी के खातिर सब कुछ कर सकता है। और एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई का इशिता की शादी के लिए बात करने के लिए उसके घर जाता है, और इस तरह के घर पहुँच कर राज का सामना अपने एक अतिथि से होता है जिसे वो करीब 15 साल पहले ही बलगरिया गांव में छोड़ चुका है, मतलब गोवा में छोड़ दिया है। और अपने दोस्त शक्ति सिंह यानी कि मुकेश तिवारी और अनवर यानी कि पंकज त्रिपाठी और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में एक नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया होता है। यहाँ से कहानी के अंदर एक बहुत ही तगड़ा मोड़ आता है और कहानी फ्लैशबैक के अंदर जाती है, जहाँ पर बलगरिया के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो आपको दिखाया जाता है। जहाँ पर एक डॉन होता है जिसका नाम बक्सी है यानी कि विनोद खन्ना, और देव मलिक यानी कि कबीर बेदी, इन दोनों के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से बहुत ही बड़ी खूनी जंग चल रही होती है। और इस जंग के अंदर बक्सी का बेटा काली यानी कि शाहरुख खान उसके साथ होता है, तो दूसरी बार मालिक जो मलिक की बेटी मीरा यानी कि उसके जो पिता के साथ वो होती है। तो मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है, और एक एक खूनी जो बिड़द है इनके बाद मीरा को लगता है कि काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। और इसी लड़ाई के अंदर काली अपने पिता को भी खो बैठता है, और यहीं से जो काली हॉस्टल में पढ़ रहे हैं अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा जाता है। और अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी है इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आती है। तो क्या यहाँ पर आगे होता है वो तो आपको फिल्म के अंदर ही देखने को मिलेगा। फिल्म के अंदर बहुत सारे प्लस पॉइंट है जो कि आपको फिल्म देखने के लिए बांधे रखते हैं। बतौर डायरेक्टर रोहित सेठी ने बहुत ही तगड़ा काम किया हुआ है, आपको पता ही है कि रोहित सेठी हर मूवी के अंदर कुछ नया करते हैं, और इस फिल्म के अंदर भी उनका डायरेक्शन, गाने, सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं। फिल्म के गाने भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप यूट्यूब पर आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। और इस फिल्म की जो लव स्टोरी भी काफ़ी बढ़िया है। दूसरी बार रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख खान और काजोल की लव स्टोरी को
सही से ट्रैक पर नहीं ले पाए, लेकिन हाँ जो एक्शन सीन यहाँ पर चलते हैं वो काफ़ी दमदार है। खासकर वो रेवेंज स्टोरी काफ़ी बढ़िया थी। अगर आप आइसलैंड में शूट, गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मन माई इमोशनल यंगस्टर में हिट है, प्रीतम का यहाँ पर म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट बैठता है। अगर आप शाहरुख खान या फिर काजोल के फैन हो तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करें। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक के अंदर देखना चाहते हैं तो फिर आप दिलवाले मूवी को चेकआउट कर सकते हैं, जो आपको निराश नहीं करेंगे। अगर आपको रेवेंज या फिर रोमांटिक टाइप मूवीज देखना अच्छा लगता है तो मैं आपके लिए कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूँ, जिसका नाम दिलवाले है। और वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर मिलेंगी। तो अगर आप लोग भी इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत जरूर देखिएगा, ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की मूवी दिलवाले को एंजॉय कर सकें। दिलवाले जो कि 2015 की बॉलीवुड की फिल्म है, जिसके अंदर रोमांस और एक्शन आपको देखने को मिला था, और इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे और लगभग 35 मिनट का है। अगर हम रेटिंग की बात करें तो रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 5.1 की सी रेटिंग मिली है, और बाकी जो गूगल यूजर है वहाँ पर जो है वो 3 स्टार मिले हुए हैं, मतलब जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर 3 स्टार मिले हुए हैं, और जो गूगल यूजर है वहाँ पर 68% लोगों ने लाइक किया हुआ है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रोहित शेट्टी ने। तो रोहित शेट्टी एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी ब्लॉकबास्टर मूवीज़ दे रखी है। अगर हम इनकी मूवीज़ के बारे में बात करें तो सिंघम और पूरी गोलमाल सीरीज, सिम्बा, सूर्यवंशी, चेन्नई एक्सप्रेस, बोल बच्चन, जमीन और ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले भी दे चुके हैं, जो कि ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगी है। लेकिन हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी जो इतना कुछ कमाल नहीं कर पाई, लेकिन हाँ दोस्तों वो एक ज़बरदस्त डायरेक्टर तो है ही, इसमें कोई भी शक नहीं है। और बहुत सारी मूवीज़ वो पहले भी अच्छी अच्छी बना चुके हैं, लेकिन जो सर्कस मूवी थी वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है फ्लॉप बनकर रह गए। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर जो होगा डायरेक्टर इसकी हर मूवी हमेशा हिट ही जाए, कहीं बार कोई ना कोई मूवी फ्लॉप भी हो सकती है, ऐसा ही शायद सर्कस के साथ ही हुआ है। तो फिल्म के जो लीड कास्ट, इसमें आप सभी को देखने को मिलते हैं शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन, कीर्ति सेनन, वरुण शर्मा, चेतना पांडे, कबीर बेदी, विनोद खन्ना, बोमन ईरानी, जॉनी लेवर, मुकेश तिवारी, मुरली शर्मा, प्रदीप काबरा, पंकज त्रिपाठी, नवाब शाह, नौशाद अब्बास, कृष्णा कोटियाल, कमल आलिव, जहांगीर खान, चेतन पांडे, सवर अली, सुष्टि चिग्धिस, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। इसे प्रोड्यूस किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने और इसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी वही किए थे, और इसका जो बजट था वो लगभग 135 करोड़ का था और कलेक्शन लगभग 450 करोड़ का हुआ था। यहाँ पर ये बात तो कंफर्म होती है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है वो बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्टर रही होगी। इस फिल्म का दोस्तों जो कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम तो ज़रूर है, वरना शायद इसका इतना कलेक्शन नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो गोवा के अंदर जो इशिता है यानी कि कीर्ति सनन और अपनी बड़ी बहन माया यानी कि काजल के साथ वो एक रेस्टोरेंट शुरू करती है, और यहाँ इसी तरह की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम वीर होता है और जिनका रोल यहाँ पर वरुण धवन का है। वीर का बड़ा भाई यहाँ पर राज होता है, यानी कि शाहरुख खान, जो कि कार मैकेनिक कम बल्कि कार डिज़ाइनर ज़्यादा होता है। वीर भी अपने भाई के साथ जो है वो उसी पेशे में है, और वो पहले नज़र में ही देखता है इशिता को और देखते ही उससे वो मतलब प्यार हो जाता है, मर मिटता है। और कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, और दूसरे और राज को लड़कियां से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं होता है, लेकिन अपने छोटे भाई की जो है वो खुशी के लिए और इसकी दिल की जो गहराइयां है वो चाहने वाला राज के भाई की खुशी के खातिर सब कुछ कर सकता है। और एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई का इशिता की शादी के लिए बात करने के लिए उसके घर जाता है, और इशिता के घर पहुँच कर राज का सामना अपने एक अतिथि से होता है जिसे वो करीब 15 साल पहले ही बलगरिया गांव में छोड़ चुका है, मतलब गोवा में छोड़ दिया है, और अपने दोस्त शक्ति सिंह यानी कि मुकेश तिवारी और अनुभव यानी कि पंकज त्रिपाठी और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में एक नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया होता है। यहाँ से कहानी के अंदर एक बहुत ही तगड़ा मोड़ आता है और कहानी फ्लैशबैक के अंदर जाती है, जहाँ पर बलगरिया के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो आपको दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डॉन होता है जिसका नाम बक्सी है यानी कि विनोद खन्ना, और देव मलिक यानी कि कबीर बेदी। इन दोनों के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से बहुत ही बड़ी खूनी जंग चल रही होती है, और इस जंग के अंदर बक्सी का बेटा काली यानी कि शाहरुख खान उसके साथ होता है, तो दूसरी बार मालिक
जो मलिक की बेटी मीरा यानी कि उसके जो पिता के साथ वो होती है। तो मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है, और एक एक खूनी जो बिडत है इनके बाद मीरा को लगता है कि काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। और इसी लड़ाई के अंदर काली अपने पिता को भी खो बैठता है, और यहीं से जो काली हॉस्टल में पढ़ रहे हैं अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा जाता है। और अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी है, इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आती है। तो क्या यहाँ पर आगे होता है वो तो आपको फिल्म के अंदर ही देखने को मिलेगा। फिल्म के अंदर बहुत सारे प्लस पॉइंट है जो कि आपको फिल्म देखने के लिए बांधे रखते हैं। बतौर डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने बहुत ही तगड़ा काम किया हुआ है, आपको पता ही है कि रोहित शेट्टी हर मूवी के अंदर कुछ नया करते हैं, और इस फिल्म के अंदर भी उनका डायरेक्शन, गाने, सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं। फिल्म के गाने भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप यूट्यूब पर आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। और इस फिल्म की जो लव स्टोरी वो भी काफ़ी बढ़िया है। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख खान और काजोल की लव स्टोरी को सही से ट्रैक पर नहीं ले पाए, लेकिन हाँ जो एक्शन सीन यहाँ पर चलते हैं वो काफ़ी दमदार है, खासकर वो रेवेंज स्टोरी काफ़ी बढ़िया थी। अगर आप आइसलैंड में शूट गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मन माई इमोशनल यंगस्टर में हिट है, प्रीतम का यहाँ पर म्यूजिक, कहानी और माहौल पर फिट बैठता है। अगर आप शाहरुख खान या फिर काजोल के फैन हो तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करें। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक के अंदर देखना चाहते हैं तो फिर आप दिलवाले मूवी को चेकआउट कर सकते हैं, जो आपको निराश नहीं करेंगे। अगर आपको रेवेंज या फिर रोमांटिक टाइप मूवीज देखना अच्छा लगता है तो मैं आपके लिए कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम दिलवाले है। और वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर मिलेंगी। तो अगर आप लोग भी इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की मूवी दिलवाले को एंजॉय कर सकें। दिलवाले जो कि 2015 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर रोमांस और एक्शन आपको देखने को मिला था, और इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे और लगभग 35 मिनट का है। अगर हम रेटिंग की बात करें तो रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.1 की से रेटिंग मिली है, और बाकी जो गूगल यूजर है वहाँ पर जो है वो 3 स्टार मिले हुए हैं, मतलब जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर 3 स्टार मिले हुए हैं, और जो गूगल यूजर है वहाँ पर 68% लोगों ने लाइक किया हुआ है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रोहित शेट्टी ने, तो रोहित शेट्टी एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दे रखी है। अगर हम इनकी मूवीज़ के बारे में बात करें तो सिंघम और पूरी गोलमाल सीरीज, सिम्बा, सूर्यवंशी, चेन्नई एक्सप्रेस, बोल बच्चन, जमीन और ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले भी दे चुके हैं जो कि ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगी है। लेकिन हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी जो इतना कुछ कमाल नहीं कर पाई, लेकिन हाँ दोस्तों वो एक ज़बरदस्त डायरेक्टर तो है ही, इसमें कोई भी शक नहीं है, और बहुत सारी मूवीज़ वो पहले भी अच्छी अच्छी बना चुके हैं, लेकिन जो सर्कस मूवी थी वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और वो बॉक्स ऑफिस के पर दोस्तों जो है फ्लॉप बनकर रह गए। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर जो होगा डायरेक्टर इसकी हर मूवी हमेशा हिट ही जाए, कहीं बार कोई ना कोई मूवी फ्लॉप भी हो सकती है, ऐसा ही शायद सर्कस के साथ ही हुआ है। तो फिल्म के जो लीड कास्ट इसमें आप सभी को देखने को मिलते हैं, शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन, कीर्ति सेनन, वरुण शर्मा, चेतना पांडे, कबीर बेदी, विनोद खन्ना, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, मुकेश तिवारी, मुरली शर्मा, प्रदीप काबरा, पंकज त्रिपाठी, नवाब शाह, नौशाद अब्बास, कृष्णा कोटियाल, कमल आलिव, जहांगीर खान, चेतन पांडे, सवर अली, सुष्टि चिग्धिस, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। इसे प्रोड्यूस किया था रेड सील्स एंटरटेनमेंट ने और इसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी वही किए थे, और इसका जो बजट था वो लगभग 135 करोड़ का था और कलेक्शन लगभग 125 करोड़ का हुआ था। यहाँ पर ये बात तो कन्फर्म होती है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है वो बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही होगी। इस फिल्म का दोस्तों जो कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम तो ज़रूर है, वरना शायद इसका कितना कलेक्शन नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो गोवा के अंदर जो इशिता है यानी कि कीर्ति सेनन और अपनी बड़ी बहन माया यानी कि काजोल के साथ वो एक रेस्टोरेंट शुरू करती है, और यहाँ इसी तरह की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम वीर होता है और जिनका रोल यहाँ पर वरुण धवन का है। वीर का बड़ा भाई यहाँ पे राज होता है यानी कि शाहरुख खान, जो कि कार मैकेनिक कम बल्कि कार डिज़ाइनर ज़्यादा होता है। वीर भी अपने भाई के साथ जो है वो उसी पेशे में है, और वो पहले नज़र में ही देखता है इशिता को, और देखते ही उससे वो मतलब प्यार हो जाता है, मर मिटता है,
और कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, और दूसरे ओर राज को लड़कियां से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं होता है। लेकिन अपने छोटे भाई की जो है वो खुशी के लिए और इसकी दिल की जो गहराइयाँ है वो चाहने वाला राज के भाई की खुशी के खातिर सब कुछ कर सकता है। और एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई का इशिता की शादी के लिए बात करने के लिए उसके घर जाता है, और इशिता के घर पहुँच कर राज का सामना अपने एक अतिथि से होता है जिसे वो करीब 15 साल पहले ही बलगरिया गांव में छोड़ चुका है, मतलब गोवा में छोड़ दिया है। और अपने दोस्त शक्ति सिंह यानी कि मुकेश तिवारी और अनवर यानी कि पंकज त्रिपाठी और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में एक नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया होता है। यहाँ से कहानी के अंदर एक बहुत ही तगड़ा मोड़ आता है और कहानी फ्लैशबैक के अंदर जाती है, जहाँ पर बल्गारिया के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो आपको दिखाया जाता है। जहाँ पर एक डॉन होता है जिसका नाम बक्सी है यानी कि विनोद खन्ना, और देव मलिक यानी कि कबीर बेदी। इन दोनों के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से बहुत ही बड़ी खूनी जंग चल रही होती है, और इस जंग के अंदर बक्सी का बेटा काली यानी कि शाहरुख खान उसके साथ होता है, तो दूसरी बार मालिक जो मलिक की बेटी मीरा यानी कि उसके जो पिता के साथ वो होती है। तो मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है, और एक एक खूनी जो बिडत है इनके बाद मीरा को लगता है कि काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। और इसी लड़ाई के अंदर काली अपने पिता को भी खो बैठता है, और यहीं से जो काली हॉस्टल में पढ़ रहे हैं अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा जाता है। और अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी है इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आती है। तो क्या यहाँ पर आगे होता है वो तो आपको फिल्म के अंदर ही देखने को मिलेगा। फिल्म के अंदर बहुत सारे प्लस पॉइंट है जो कि आपको फिल्म देखने के लिए बांधे रखते हैं। बतौर डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने बहुत ही तगड़ा काम किया हुआ है। आपको पता ही है कि रोहित शेट्टी हर मूवी के अंदर कुछ नया करते हैं, और इस फिल्म के अंदर भी उनका डायरेक्शन, गाने, सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं। फिल्म के गाने भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप यूट्यूब पर आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। और इस फिल्म की जो लव स्टोरी वो भी काफ़ी बढ़िया है। दूसरी बार रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख खान और काजोल की लव स्टोरी को सही से ट्रैक पर नहीं ले पाए, लेकिन हाँ जो एक्शन सीन यहाँ पर चलते हैं वो काफ़ी दमदार है, खासकर वो रेवेंज स्टोरी काफ़ी बढ़िया थी। अगर आप आइसलैंड में शूट गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मन माय इमोशनल यंगस्टर में हिट है, प्रीतम का यहाँ पर म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट बैठता है। अगर आप शाहरुख खान या फिर काजोल के फैन हो तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करें। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक के अंदर देखना चाहते हैं तो फिर आप दिलवाले मूवी को चेकआउट कर सकते हैं, जो आपको निराश नहीं करेंगे। अगर आपको रेवेंज या फिर रोमांटिक टाइप मूवीज देखना अच्छा लगता है तो मैं आपके लिए कमाल की मूवी लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम दिलवाले है। और वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको कहाँ पर हिंदी के अंदर मिलेंगी। तो अगर आप लोग भी इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को आप थोड़ा बहुत ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग भी इस कमाल की मूवी दिलवाले को इंजॉय कर सकें। दिलवाले जो कि 2015 की बॉलीवुड की फिल्म है जिसके अंदर रोमांस और एक्शन आपको देखने को मिला था, और इस फिल्म का रन टाइम 2 घंटे और लगभग 35 मिनट का है। अगर हम रेटिंग की बात करें तो रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 5.1 की से रेटिंग मिली है, और बाकी जो गूगल यूजर है वहाँ पर जो है वो 3 स्टार मिले हुए हैं, मतलब जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वहाँ पर 3 स्टार मिले हुए हैं, और जो गूगल यूजर है वहाँ पर 68% लोगों ने लाइक किया हुआ है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है रोहित शेट्टी ने, तो रोहित शेट्टी एक ज़बरदस्त डायरेक्टर है और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दे रखी है। अगर हम इनकी मूवीज़ के बारे में बात करें तो सिंघम और पूरी गोलमाल सीरीज, सिम्बा, सूर्यवंशी, चेन्नई एक्सप्रेस, बोल बच्चन, जमीन और ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ वो पहले भी दे चुके हैं जो कि ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगी है। लेकिन हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी जो इतना कुछ कमाल नहीं कर पाई, लेकिन हाँ दोस्तों वो एक ज़बरदस्त डायरेक्टर तो है ही, इसमें कोई भी शक नहीं है। और बहुत सारी मूवीज़ वो पहले भी अच्छी अच्छी बना चुके हैं, लेकिन जो सर्कस मूवी थी वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है फ्लॉप बनकर रह गए। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर जो होगा डायरेक्टर इसकी हर मूवी हमेशा हिट ही जाए, कहीं बार कोई ना कोई मूवी फ्लॉप भी हो सकती है, ऐसा ही शायद सर्कस के साथ ही हुआ है। तो फिल्म के जो लीड कास्ट इसमें आप सभी को देखने को मिलते हैं, शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन, कीर्ति सेनन, वरुण शर्मा, चेतना पांडे, कबीर बेदी, विनोद खन्ना, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, मुकेश तिवारी, मुरली शर्मा, प्रदीप काबरा, पंकज त्रिपाठी, नवाब शाह, नौशाद अब्बास, कृष्णा कोटियाल, कमल आलिव, जहांगीर खान, चेतन पांडे, सवर अली,
सुष्टि चिट्ठी से, ऐसे आपको बहुत सारे किरदार फिल्म में देखने को मिलते हैं। इसे प्रोड्यूस किया था रेड सील्स एंटरटेनमेंट ने और इसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी वही किए थे। और इसका जो बजट था वो लगभग 135 करोड़ का था और कलेक्शन लगभग 450 करोड़ का हुआ था। यहाँ पर ये बात तो कन्फर्म होती है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोस्तों जो है वो बहुत ही बड़ी ब्लॉकबास्टर रही होगी। इस फिल्म का दोस्तों जो कलेक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि फिल्म के अंदर दम तो ज़रूर है, वरना शायद इसका इतना कलेक्शन नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो गोवा के अंदर जो इशिता है यानी कि कीर्ति सनन और अपनी बड़ी बहन माया यानी कि काजल के साथ वो एक रेस्टोरेंट शुरू करती है। और यहाँ इसी तरह की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम वीर होता है और जिनका रोल यहाँ पर वरुण धवन का है। वीर का बड़ा भाई यहाँ पर राज होता है यानी कि शाहरुख खान, जो कि कार मैकेनिक कम बल्कि कार डिज़ाइनर ज़्यादा होता है। वीर भी अपने भाई के साथ जो है वो उसी पेशे में है और वो पहले नज़र में ही देखता है इशिता को और देखते ही उससे वो मतलब प्यार हो जाता है, मर मिटता है। और कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दूसरे और राज को लड़कियां से दोस्ती करना और प्यार व्यार का चक्कर पसंद नहीं होता है, लेकिन अपने छोटे भाई की जो है वो खुशी के लिए और इसकी दिल की जो गहराइयां है वो चाहने वाला राज के भाई की खुशी के खातिर सब कुछ कर सकता है। और एक दिन राज इशिता की बहन से अपने भाई का इशिता की शादी के लिए बात करने के लिए उसके घर जाता है और इशिता के घर पहुंचकर राज का सामना अपने एक आदित्य से होता है जिसे वो करीब 15 साल पहले ही बलगरिया गांव में छोड़ चुका है, मतलब गोवा में छोड़ दिया है। और अपने दोस्त शक्ति सिंह यानी कि मुकेश तिवारी और अनवर यानी कि पंकज त्रिपाठी और छोटे भाई वीर के साथ गोवा में एक नई जिंदगी शुरू करने के मकसद से आया होता है। यहाँ से कहानी के अंदर एक बहुत ही तगड़ा मोड़ आता है और कहानी फ्लैशबैक के अंदर जाती है जहाँ पर बलगरिया के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो आपको दिखाया जाता है। जहाँ पर एक डॉन होता है जिसका नाम बक्सी है यानी कि विनोद खन्ना और देव मलिक यानी कि कबीर बेदी, इन दोनों के बीच सोने की लूट को लेकर बरसों से बहुत ही बड़ी खूनी जंग चल रही होती है। और इस जंग के अंदर बक्सी का बेटा काली यानी कि शाहरुख खान उसके साथ होता है, तो दूसरी बार मालिक जो मलिक की बेटी मीरा यानी कि उसके जो पिता के साथ वो होती है। तो मीरा एक प्लान बनाकर पहले तो काली से प्यार करती है और फिर उसे धोखा देती है और एक एक खूनी जो बिड़त है इनके बाद मीरा को लगता है कि काली ने उसके पिता को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी है। और इसी लड़ाई के अंदर काली अपने पिता को भी खो बैठता है और यहीं से जो काली हॉस्पिटल में पड़ रहे हैं अपने छोटे भाई वीर और अपने दो खास साथियों शक्ति और अनवर के साथ गोवा जाता है। और अब 15 साल बाद वीर और इशिता की लव स्टोरी है इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आती है। तो क्या यहाँ पर आगे होता है वो तो आपको फिल्म के अंदर ही देखने को मिलेगा। फिल्म के अंदर बहुत सारे प्लस पॉइंट है जो कि आपको फिल्म देखने के लिए बांधे रखते हैं। बतौर डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने बहुत ही तगड़ा काम किया हुआ है, आपको पता ही है कि रोहित शेट्टी हर मूवी के अंदर कुछ नया करते हैं और इस फिल्म के अंदर भी उनका डायरेक्शन, गाने सब कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं। फिल्म के गाने भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, आप यूट्यूब पर आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। और इस फिल्म की जो लव स्टोरी वो भी काफ़ी बढ़िया है। दूसरी ओर रोहित पूरी फिल्म में कहीं भी शाहरुख खान और काजोल की लव स्टोरी को सही से ट्रैक पर नहीं ले पाए, लेकिन हाँ जो एक्शन सीन यहाँ पर चलते हैं वो काफ़ी दमदार है, खासकर वो रेवेंज स्टोरी काफ़ी बढ़िया थी। अगर आप आइसलैंड में शूट गेरुआ गाने के अलावा जन्म जन्म और मन माय इमोशनल यंगस्टर में हिट है, प्रीतम का यहाँ पर म्यूजिक कहानी और माहौल पर फिट बैठता है। अगर आप शाहरुख खान या फिर काजोल के फैन हो तो दिलवाले आपको शायद अपसेट ना करें। वही अगर आप बरसों बाद बॉलीवुड की सबसे हिट रही रोमांटिक जोड़ी को कुछ अलग लुक के अंदर देखना चाहते हैं तो फिर आप दिलवाले मूवी को चेकआउट कर सकते हैं जो आपको निराश नहीं करेंगे।